राजीव पराशर, एडिटर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन। प्लाई रिपोर्टर की तरफ से जो आज का जो वेबिनार है, अनलॉक के बाद क्या कहना है नॉर्थ इंडिया, तो जो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा सीरीज शुरू हुआ है, नॉर्थ इंडिया वन और नॉर्थ इंडिया टू, नॉर्थ इंडिया वन नॉर्थ इंडिया टू बहुत सक्सेसफुल रहा, काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया एक हमारे अपने गुड पैनल सेगमेंट प्लाईवुड लैमिनेट और एमडीएफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। यहाँ से काफी क्वांटिटी में मटेरियल की सप्लाई होती है, तो पूरे इंडिया के जो बाजार है उस बाजार में नॉर्थ इंडिया की सप्लाई का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ से जो वॉयस जाता है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर क्या सोचते हैं, ये जानना पूरे बाजार के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज नॉर्थ इंडिया क्या कहता है, नॉर्थ इंडिया वन और टू हमने लॉकडाउन में किया, और नॉर्थ इंडिया थ्री, ये चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो अनलॉक के बाद क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में, आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सभी पैनलिस्ट का एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले मिस्टर विकास खन्ना जी हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली एनसीआर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा इनकी कंपनी जो दिल्ली एनसीआर के हरियाणा में स्थित है, आरकी डोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ये ऑनर हैं। सुपा प्लाईवुड एंड लैमिनेट ब्रांड इनका काफी नोन ब्रांड है। विकास जी एक काफी सोशल चेहरा है, और इंडस्ट्री के कोई भी समस्या या कोई भी चीज होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आगे आते हैं और चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सोशल पर्सनालिटी है। तो इनका व्यू काफी आज की डेट में क्या कहता है नॉर्थ इंडिया पार्ट थ्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास जी भैया आपका स्वागत है, सुन रहे हैं, और वेलकम टू ऑल पैनलिस्ट जो सब हमारे साथ आज यहाँ फेसबुक लाइव पे या उपलब्ध है। मैं राजीव जी का और आपका और टीम प्लाई रिपोर्टर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी पेंस लेके हम सबको इकट्ठा किया और सबको इतना वैल्यूएबल व्यूज जो सबके मिलते हैं उसके लिए सारे बहुत मोटिवेट हुए और आपने बहुत पेंस लिए इस काम को करने के लिए। थैंक यू भैया। अब जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं उनका मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। मिस्टर अंकुर अग्रवाल जी हैं, ये डायरेक्टर एंड फाउंडर इंजीनियर प्लाई ग्रुप के हैं। अंकुर जी आईआईटी कानपुर से बीटेक इन्होंने किया है, उसके बाद 25 साल पहले इन्होंने वुड पैनल सेक्टर में एज ए ट्रेडर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इस इंडस्ट्री में आए थे। इसके बाद 2010 में इन्होंने ग्रेटर नोएडा के पास डेकोरेटिव वीनियर की बहुत अच्छी यूनिट लगाई, डेकोरेटिव वीनियर का काफी अच्छा स्टॉक रखते हैं ताकि जो अपने ग्राहक है उनको बेहतर सर्विस दे सके। इसके अलावा ऑफलेट इन्होंने फर्नीचर सेगमेंट में भी अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई किया है, ये किचन और वार्डरोब के साथ साथ हाई एंड डोर सेगमेंट में भी मौजूद है, जो मैचिंग चौकट के साथ दरवाजे देते हैं। अंकुर जी आज के इस पैनल में आपका स्वागत है। राजीव जी नमस्कार जी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस वेबिनार में मेरे को एज अ पैनलिस्ट इनवाइट किया, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके लिए आपकी पूरी प्लाई रिपोर्टर की टीम बधाई की पात्र है। थैंक यू सर। और जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं मैं उनका इंट्रोड्यूस करूंगा। मिस्टर संजय गर्ग जी हैं, E3 ग्रुप, E3 एक उभरता हुआ नाम है अपने वुड पैनल सेक्टर में, उसके ये डायरेक्टर एंड फाउंडर रहे। E3 ग्रुप अल्मोनियम कंपोजिट पैनल, PVC लैमिनेट, PVC एज बैंड टेप, WPC बोर्ड, पॉलीकार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली NCR रीजन में है। 92 में संजय जी एज ए ट्रेडर इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, और ओखला में यूनिक कलेक्शन जो ट्रेडिंग हाउस है उसकी नींव रखी थी अपने ब्रदर्स के साथ। संजय जी एक विजनरी बिजनेसमैन माने जाते हैं, और एक्सपेंशन इनका पैशन रहा है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं। आने वाले समय में संजय जी MDF आर्टिफिशियल ग्रास सेगमेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले हैं, और कोरोना काल में इन्होंने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है और इन्होंने फेस मास्क मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा है। संजय जी आपका स्वागत है। थैंक यू राजीव जी, आपने सर मौका दिया बोलने का जी। थैंक यू सर, मैंने काम तो करने पड़ेंगे कोरोना में। हाँ। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वीनियर के काफी चर्चित नाम हैं दिल्ली NCR में और भारत में, प्रकाश खेतावत जी, ये डायरेक्टर हैं ग्रीन वुड क्राफ्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के, और फ्लेमिंगो विनियर और सेफ्रॉन विनियर इनके ब्रांड है जो काफी नोन है। प्रकाश जी नेचुरल विनियर, रिकॉन विनियर और टिक विनियर में काफी अच्छी रेंज रखते हैं। प्रकाश जी एक मार्केटिंग और डिसीजन मेकिंग में एक एग्रेसिव मैन के रूप में जाने जाते हैं। बाजार पे ये गहरी अपनी नजर रखते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और विनियर इनोवेशन में भी फ्लेमिंगो ने ऑफलेट नेचुरल विनियर में काफी अच्छा नाम कमाया है और टिक विनियर में इनके पास अच्छी रेंज अभी मौजूद है। प्रकाश जी आपको आपको इस पैनल में स्वागत है। थैंक यू राजीव जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी का भी करना चाहूंगा और एंड ऑल प्राइ रिपोर्टर टीम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल पैनलिस्ट, वेलकम ऑल फ्रेंड्स, डीलर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स टू दिस वेबिनार। हमारे को कुछ सीखने मिलेगा और भाइयों लोग की बात सुनेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। तो लेट्स होप थैंक यू सर। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, इस पैनल में सबसे यंग हैं वरुण खेमका जी। ये सेफ डेकोर लैमिनेट ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सेफ डेकोर एक इथिकल काम करने वाली कंपनी जानी जाती है। पूरा ग्रुप एक इथिकल बिजनेसमैन कहे जाते हैं, काफी सोबर और हम्बल लोग हैं। वरुण खेमका जी 2009 में सेफ डेकोर ज्वाइन किए थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एमबीए में मार्केटिंग किया है। वरुण जी के आने के बाद इन्होंने अपना 1mm लैमिनेट सेगमेंट में अपने डिजाइन, अपनी ब्रांडिंग और को काफी फोकस किया है और अपने बाजार को भी नॉर्थ और ईस्ट के अलावा साउथ और अन्य बाजार में भी स्प्रेड किया है। वरुण जी आपका स्वागत है। थैंक यू राजीव जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। अगले जो हमारे वुड पैनल ट्रेड के महारथी हैं, आशीष गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर बेस्ड प्रीलैम प्लाई प्रीमियर प्लाईलैम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ये फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। प्रीमियर प्लाईलैम राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है और राजस्थान क्या हिंदुस्तान में 1500 डीलर में काम करने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर में प्रीमियर प्लाईलैम आता है। ये इंडिया के गिने चुने डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनका एक बहुत अच्छा स्थान है। ये वुड पैनल ट्रेड के सभी प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, फ्लश डोर, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, लैमिनेट, विनियर, डेकोरेटिव शीट्स, सीमेंट फाइबर बोर्ड आदि के आदि प्रोडक्ट्स में हैंडल करते हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स इनके बकेट में मौजूद हैं। ग्रीन पैनल, सेंचुरी, एमडीएफ, एक्सेंटेसा, ग्रीन लाइन, डेको वुड, ग्लोब पैनल, एलस्टोन, एवरेस्ट, ब्लैक कोबरा, यूरो प्रतीक, क्रॉस पॉइंट, पायनियर पैनल, तिरुपति समेत कई और ब्रांड के ये राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनका वेयरहाउस बहुत मतलब बड़ा वेयरहाउस इनके पास है। 2,00,000 स्क्वायर फीट में इनके पास वेयरहाउस है और 30 लोगों की टीम इनके साथ काम करती है। वेयरहाउसिंग में ये FMCG सेक्टर के अन्य कंपनियों को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इतना बड़ा वेयरहाउस है। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा है। गांधीधाम में अंबाजी प्लाईवुड इंडस्ट्री में इन्होंने वेंचर किया है 2015 में और साथ ही अभी इस साल 2020 में इन्होंने अभियान स्टार अभियान इंडिया के क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो यमुनानगर में लग रहा है उसमें भी इन्होंने वेंचर किया है। और आशीष जी भी इस साल प्राइमार्क के नाम से राजस्थान में जयपुर में एक बहुत बड़ा 2000 स्क्वायर फीट में एक बहुत बड़ा शोरूम बनाने जा रहे हैं जिसमें कई हाई एंड प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा। आशीष जी आपको आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। नमस्कार राजीव जी, थैंक यू प्रगत जी, थैंक यू प्राइ रिपोर्टर टीम। बहुत बढ़िया वेबिनार आप कंडक्ट कर रहे हैं और मैं रेगुलरली वॉच कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आपके वेबिनार में। थैंक यू सर। अब जो हमारे सबसे डिस्ट्रीब्यूटर अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के विनोद गोयल जी, इन्होंने टेकचंद श्री किशन नाम से फॉर्म 1983 में इन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था। उसके बाद ये प्लाईवुड लैमिनेट विनियर समेत कई प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में दिल्ली NCR के बाजार में इनका एक अच्छा नाम है, बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये काम करते हैं। काफी हम्बल हैं और इनका पर्सनल रिलेशन बाजार में बहुत अच्छा माना जाता है। दिल्ली NCR में फ्लेमिंगो विनियर के भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 2016 में विनोद जी ने TCS मार्केटिंग की नींव रखी थी और ट्रेंड के नाम से इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। ट्रेंड आज पूरे इंडिया में 400 से 500 डीलर्स में काम करता है।
जिसमें लैमिनेट प्लाईवुड फ्लश डोर पीवीसी एजमेंट एक्रेलिक शीट्स और चारकोट शीट्स में डील करता है। विनोद जी ने भी कोरोना काल की अपॉर्चुनिटी को समझा है और पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है, वो भी फेस मास्क की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। तो विनोद जी आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। नमस्कार लाइव रिपोर्टर टीम, सभी पार्टिसिपेंट और सभी इसी बेमार से जुड़ने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और इससे हमें नॉलेज मिलेगी, कुछ सीखने की, कुछ बोलने की। थैंक यू विनोद जी। अब जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं रोहित खंडेलवाल जी, ये इनको विनियर का पैशनेट सेलर माना जाता है। विनियर इनका पैशन है, विनियर प्रेजेंट करने के लिए, विनियर बेचने के लिए ये बहुत टाइम भी लगाते हैं और विनियर के ये लवर माने जाते हैं। दिल्ली में ये स्थित है, इनका करौल बाग में प्लाई होम के नाम से इनकी दुकान है और ड्यूरो नेचर सिग्नेचर के ये पिछले कई साल से हाईएस्ट सेलर के रूप में इनको अवार्ड मिलते रहा है। तो अवार्ड विनर भी हैं आर्किटेक्ट और हाई एंड कंज्यूमर सेगमेंट में इन्होंने काफी अच्छी पकड़ बना रखी है। और इसके विनियर के अलावा प्लाईवुड और लैमिनेट और अन्य डेकोरेटिव पैनल और हाइलाइटर्स में भी ये डील करते हैं। तो रोहित जी आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, प्रगत जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस पैनल पे आमंत्रित करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब जो आज के जो ये वेबिनार है अनलॉक के बाद क्या कहता है नॉर्थ इंडिया, इसके पूरे वेबिनार के स्पॉन्सरर और पावर्ड ब्रांड टाइमेक्स ग्रुप, मैं उनको प्लाई रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। इस टाइमेक्स ग्रुप के जो फाउंडर हैं, जिनका विजन रहा है श्री चापसी भाई गालाजी, मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपने से फोन करके बोला कि मैं आपके वेबिनार को सपोर्ट करना चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो टाइमेक्स पूरे टाइमेक्स ग्रुप को और चापसी भाई को, दोनों लोगों को मैं प्लाई रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। टाइमेक्स ग्रुप कई प्रोडक्ट कैटेगरी में मौजूद है। टाइमेक्स बॉन्ड एसीपी में एक जाना पहचाना नाम है, हाई क्वालिटी एसीपी प्रोडक्ट सेगमेंट में ये डील करते हैं। पैन इंडिया इनका प्रेजेंस है और इनके पास एक बहुत स्ट्रांग सेल्स टीम और डीलर नेटवर्क है। इसके अलावा टाइमेक्स विनियर एक्सक्लूसिव नेचुरल विनियर में बहुत एक बड़ा नाम है और एक बड़ी रेंज इनके पास मौजूद है। और डिजाइनर और रिटेल में टाइमेक्स विनियर एक बहुत जाना पहचाना नाम है। इसके अलावा टाइमेक्स सिरेमिक टाइल्स भी आता है जिसमें 600 से अधिक डिजाइन मौजूद है। इसके अलावा टाइमेक्स माइका लैमिनेट सेगमेंट में एक अच्छा नाम है जिसमें कई अच्छे बेहतरीन डिजाइन आते हैं जो डिजाइनर्स और रिटेलर्स को अट्रैक्ट करता है। टाइमेक्स प्लाईवुड भी एक अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड देने के लिए जाना जाता है। जीरो गैप प्लाईवुड, टर्माइट प्रूफ और फायर रेजिस्टेंस प्लाईवुड। इसके अलावा टाइमेक्स डोर सेगमेंट में एक अच्छा टाइमेक्स डोर नाम है, रेडीमेड कंप्लीट सर्विसिंग विद चॉकर ये डील करते हैं। तो मैं टाइमेक्स ग्रुप को और चापसी भाई को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे इस कॉज को सपोर्ट किया है। अब जो आज का जो ये वेबिनार है, इसके जो आज का जो होस्ट है प्रगत जी, इधर है प्रगत जी, प्रगत जी आपकी आवाज आ रही है? यस, एकदम मौजूद है। थैंक यू राजीव फॉर आपका भी इस पैनल में बहुत स्वागत है। प्रगत जी प्लाई रिपोर्टर के फाउंडर हैं और जब से वेबिनार प्लाई रिपोर्टर ने शुरू किया है कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आप ही को देखने आते हैं, डिस्कशन तो बाद में सुन लेते हैं साथ, तो आपका मतलब मोहित काम ने किया है पूरे ट्रेड में। कई लोग बहुत सारे फैन हैं जो फोन करके बताते हैं कि हम प्रगत जी को देख लेते हैं, बस हमें बहुत सारा ऐसे ज्ञान प्राप्त है। तो आपका एक और अच्छा है और आगे का राजीव, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बिल्कुल कमजोर है और इस आवाज को बुलंदी की तरफ हम लेके चलते हैं। धन्यवाद सबका, वेलकम ऑल ऑफ यू। संजय जी आप हमारी तरफ देखना शुरू करें, अंकुश जी आप दो दो जगह से प्रकट हो रहे हैं, एक जगह पे आइए। आपका मैं कहीं आपने क्लोन तो नहीं बना लिया? यू आर अपीयरिंग ऑन टू क्यूब्स, यू हैव टू बी ऑन वन। Thank you, Rajiv, and thank you, Timex Group, for supporting this cause.
एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. क्या कहता है नॉर्थ इंडिया अनलॉक के बाद? नॉर्थ इंडिया हमेशा ये कहता है कि हम शुरू से ही अनलॉक है. मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लॉक कब थे. नॉर्थ इंडिया कहता है कि हम तो लॉक थे ही नहीं, डिस्पैच भी चालू था, पेमेंट भी आ रही थी. नॉर्थ इंडिया की ये जो बुलंदी है, ये पूरे इंडिया में अपना एक अलग कॉर्नर रखती है, अपना एक अलग मुकाम रखती है. नॉर्थ इंडिया की जो हिम्मत है, इसको कोई इनकार नहीं करता कि यहाँ के लोग जुझारू होने के साथ साथ उद्यमी भी हैं, रिस्क टेकर भी हैं. इसमें से कुछ रिस्क टेकर दिल्ली एनसीआर के आसपास भी मौजूद हैं, जो इस पैनल में हैं. मैं वैसे आज विकास खन्ना जी, प्रकाश खेतावत जी, संजय गर्ग जी, वरुण जी, रोहित खंडेलवाल जी के साथ साथ विनोद जी और आशीष गुप्ता जी का स्वागत करता हूं. लेकिन मैं इसमें कहीं ना कहीं दो लोगों को बहुत मिस कर रहा हूं. एक है मिस्टर मनीष केडिया भूटान टफ से, और एक है आलोक जी रियल प्लाई से. उनको मैं इसलिए मिस कर रहा हूं क्योंकि वो लोग एक सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन रखते हैं. किन्हीं कारणों वश दोनों लोग की मौजूदगी संभव नहीं थी, पारिवारिक वजहों से. मैं उनका नहीं होने के बावजूद धन्यवाद करता हूं. विकास जी धन्यवाद फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले ये बताइए विकास जी, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, फैक्ट्रियां कितनी चल रही हैं, कितने घंटे चल रही हैं, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और आप लोग अभी किस स्थिति में हैं? थैंक यू प्रगत जी. फैक्ट्रीज का जहां तक सवाल है, फैक्ट्रीज तकरीबन 30% हम लोगों की चल रही हैं, और पेमेंट्स का जो शेड्यूल है, जो मार्केट का 30% रही है, तो लेबर है 30% की? 30% लेबर प्राय सब फैक्ट्रीज में है. तो कितनी फैक्ट्रियां चल रही है परसेंटेज? तकरीबन 95% यूनिट्स हमारे यहाँ से. दिल्ली एनसीआर में कितनी यूनिट होंगी? दिल्ली एनसीआर में टोटल 70-75 यूनिट्स होंगी. 75 यूनिट्स में कितनी ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल यूनिट्स अगर आप कहें तो मिनिमम 70 यूनिट्स ऑपरेशनल है. तो यानी 75 में 70 ऑपरेशनल है. ऑडियंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि फैक्ट्रियां बंद नहीं है, बॉयलर चल रहे हैं. तो आप जब कहते हैं कि 30% चल रही है, क्या बॉयलर पूरे 24 घंटे चलता है या फिर उसे बुझाते हैं और फायर करते हैं? नहीं, अभी हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो 12 आवर्स रखा हुआ है हमने सबने, और कोई भी इंडस्ट्री जो है हमारी 24 आवर्स नहीं चल रही. तो सर आप लोगों ने वर्कर्स को रोक कैसे लिया? हमने तो सुना कि सब भर भर के जा रहे हैं. विकास जी आपने रोक लिया या वो रुक गए? देखिए, हमने प्रयास किया कि उनकी हर फैसिलिटी, चाहे वो कैश है, चाहे उनको मेडिसिन देनी है, चाहे उनको समझाना है, हम सबने प्रयास ऐसा किया. और वी आर वेरी लकी कि हमारी 30% लेबर जो है, 30-40% लेबर, वो हमारी इन हाउस रुक गई. यानी आपने उनका ख्याल रखा इसलिए वो रुक गए. प्रकाश खेतावत जी से सवाल है. प्रकाश जी, डिमांड की क्या सिनेरियो है? फैक्ट्री तो 30% चल रही है. आपको अनम्यूट करना होगा. क्या डिमांड भी है? अगर 30% फैक्ट्री चल रही है तो डिमांड भी है 30%? जितना प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन, वन थर्ड मोटा मोटी प्रीवियस कैपेसिटी से, वन थर्ड कैपेसिटी पे फैक्ट्रियां चल रही है, और वन थर्ड डिमांड है. ये है कि डेकोरेटिव एंड प्लाईवुड मिक्स होकर जा रहा है. अकेले डेकोरेटिव का वन थर्ड डिमांड नहीं है. हम लोग कन्फिग्रेशन, दोनों कन्फिग्रेशन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना जा रहा है, कहीं पर उसमें कोई हिकअप्स नहीं है आज के दिन. ये डिमांड ऑर्गेनिकली जनरेटेड है या ये डिमांड आप लोग ऑर्डर मांग रहे हैं? नहीं, डिमांड्स आ रहे हैं. एक्चुअल में क्या हुआ है कि टू टीयर सिटीज जो है उस, वहां से डिमांड काफी, वहां से रेगुलर डिमांड आ रहा है. वो माल भी मांग रहे हैं, माल मांग रहे हैं, चलाकर माल मांग रहे हैं. और ऐसा भी नहीं था कि पुराना हमारे पास बहुत ओल्ड स्टॉक था या पुशअप सेल भी करना पड़ रहा है. डिमांड नेचुरल डिमांड आ रहा है. ऐसा कोई इशू नहीं है कि नेचुरल डिमांड नहीं आ रहा है, नेचुरल डिमांड आ रहा है. एक्चुअल में क्या हुआ, स्थिति क्या हुई है, 3 मई को जब लॉकडाउन खुला है उसके बाद काफी सिटीज काफी एक्शन में आ गई. उसके बाद 30 मई को जो लॉकडाउन खुला है उसके बाद काफी अदर पार्ट ऑफ सिटीज काफी एक्शन में आ गई. तो डिमांड ऑलमोस्ट 1/3 डिमांड रेगुलराइज है. यानी 4 मई के बाद पहला खुला, पहला पार्ट जिसमें बैंगलोर और सडन उधर के सदर्न एरिया खुले, सेकंड ओपनिंग की शुरुआत दिल्ली और एनसीआर और कुछ पार्ट ऑफ यूपी और इधर के इलाकों में हुई,
इन दोनों को क्यूमुलेटिव देखें तो लास्ट 25 दिनों की डेवलपमेंट में 30% फैक्ट्रियां चल रही हैं और वो डिमांड इन हिस्सों से आ रही है। मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी, आप पीवीसी और एसीपी दोनों फील्ड में हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। क्या पीवीसी बोर्ड, एचबैंड और एसीपी में भी सिमिलर ट्रैक्शन है क्या? एसीपी में खाली जो पार्टीशन होता है जो उसकी डिमांड आ रही है, एक्सटीरियर ग्रेड की कोई डिमांड नहीं आ रही। आपका मेजर शेयर पार्टीशन है कि एक्सटीरियर है? एक्सटीरियर है, लेकिन डिमांड जो आ रही है पार्टीशन की आ रही है। और साथ में मैंने देखा आपने बहुत तेजी के साथ बदलाव करते हुए मास्क और केमिकल्स भी शुरू कर दिया। आज एक चीज बड़ी कमाल की नजर आ रही है कि मैं बहुत सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इवन फैक्ट्री वाले लोगों को अपना मुख्य धंधा छोड़कर मास्क बनाते और बेचते भी देख रहा हूँ। बहुत बधाई के पात्र है, वो इतनी तेजी से स्विफ्टली अपने को डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। संजय जी, आपने राह दिखाई होगी और अपने ट्रेड के बहुत लोगों को जोड़ा होगा। बहुत बहुत आपका आभार कि आप इसमें देश सेवा भी कर रहे हैं। बाय द वे आशीष जी, जी अपने लॉसेस पूरे करने के लिए हम लोग ये मास्क में जा रहे हैं। जैसे अपना काम शुरू हो जाएगा मास्क खत्म हो जाएगा। अरे सर, आप सेवा करने जा रहे हैं, आप मास्क पहना के सुरक्षित कर रहे हैं, आप खाली लॉसेस पूरा करने कहां जा रहे हैं? यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द सोसाइटी। वरुण खेमका जी, यू आर इन लैमिनेट। How is the demand scenario and payment scenario when we talk about laminate? I'm not asking about manufacturing. See, demand scenario ऐसा है कि metro city से demand बहुत ज़्यादा generate नहीं हो रही, apart from Bangalore. Bangalore जो city खुला है वहाँ से demand फिर भी ठीक है। Apart from that, tier 2 cities से demand आ रही हैं, but ये demand कितनी लंबे समय के लिए regular consistent रहेंगी ये अभी थोड़ा कह पाना मुश्किल है। क्या आप फैक्ट्रियाँ अभी 30% ऑपरेट कर रहे हैं या ज्यादा? मेरी कैपेसिटी भी 35-40% पे भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, और वो ऑपरेट करने का एक वन ऑफ द रीजंस है थोड़ी लेबर की शॉर्टेज है। लेबर भी हमारे पास अब समझिए 35-40% लेबर है, और नेक्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 50% कैपेसिटी एंड 50% लेबर पे चले जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं सागर फौजदार जी, मैं अपॉर्चुनिटी में जो भी अपनी बात अच्छे से करता है, अपने देश के लिए कुछ करता है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और उस विजडम को, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सामने देखकर उसमें आगे बढ़ने के लिए हम बधाई भी देते हैं। हम ये हमेशा कहते हैं कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखकर चीजों को पकड़ें। संजय जी ने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का काम शुरू किया। इनफैक्ट ये इतना बड़ा सेवा है, इतनी बड़ी, इतना ज्वलंत मुद्दा है कि हर एक, अगर इवन आप प्लाईवुड ट्रेड में भी देखेंगे तो उनके शॉप काउंटर्स के आगे लोगों ने मास्क और बड़े बड़े गैलन्स रखे हैं। क्या ये नीड नहीं है? बहुत बड़ी नीड है, एंड इट इज गुड। ये वाइजनेस है, इट्स नॉट मेकिंग फन, इट्स एक्चुअली मोटिवेटिंग पीपल टू कम फॉरवर्ड, सर्व द नेशन, सर्व द नीड ऑफ द सोसाइटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉज। नाउ माई क्वेश्चन टू विनोद जी। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, TCS ग्रुप जाना जाता है दिल्ली NCR में, पुराना 30 साल हो गया काम करते हुए, तो विनोद जी ये बताएं कि क्या डीलर से ऑर्डर्स आ रहे हैं और पेमेंट्स भी आ रही हैं? 15 दिन लॉकडाउन हो गया खुले हुए, दिल्ली में भीड़ भी बढ़ती जा रही है दिल्ली NCR रीजन में, बिजनेस में इसका कन्वर्जन हो रहा है या सिर्फ भीड़ है? जैसा सबने बोला, 30-35% काम आ रहा है अभी। वैसे तो हमें 35 डेज हो गए ओपन किए हुए, हम 4 मई से ओपन हो गए थे इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से, 30-40% ऑर्डर आ रहे हैं। सर, पेमेंट्स का क्या है? अगर ये 35-40% ऑर्डर्स आ रहे हैं तो पेमेंट्स का रेशियो और ऑर्डर्स का रेशियो सेम है या ये ज्यादा है? पेमेंट थोड़ी पिछली ऐड होके आ रही है, यानी सप्लाईज जो आप लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा पेमेंट्स आ रही है। पेमेंट उससे ज्यादा आ रही है। आशीष जी, क्या आप इस बात से राजस्थान में भी सहमत हैं? नमस्कार। राजस्थान में भी सर सिनेरियो कुछ नोटिस जो मतलब उसमें ऐसे है, मई महीने के अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष जी, आपको और आगे आना होगा जी। ओके, अभी क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा।
सर मई के मंथ में भी ऑलमोस्ट 35-40% हम लोगों ने अचीव किया, हमारे भी स्टार्ट हो गया था और बाद में पेमेंट तो डेफिनेटली बेटर आ रही है, पुरानी जो पेमेंट्स हैं वो भी रिकवर हो रही है और नया जो है वो हम लोगों ने अभी थोड़ा कैश एंड कैरी ही किया हुआ है बिजनेस को, मतलब बहुत ज्यादा अभी ड्यू क्रेडिट्स अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों की पहले के क्रेडिट्स भी चल रहे थे उन लोगों को भी हम यही कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा करंट में इसको कैश एंड कैरी रखें या मतलब 2-5-7 दिन की क्रेडिट्स पे हम उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। पीपल आर हेल्पिंग ऑल्सो, मतलब मोस्ट ऑफ द डीलर्स आर टेकिंग पॉजिटिवली कि नहीं ठीक है आप अभी इसको मतलब कैश एंड कैरी रखिए जब तक मार्केट्स के सिनेरियो को सुधर जाते हैं, तो उसमें मतलब कलेक्शन में कोई इतना चैलेंज नहीं लग रहा है, मतलब डीलर्स आर डेफिनेटली मतलब गिविंग गुड रिस्पांस। संजय जी आपसे सवाल है, क्या एज बैंड में मूवमेंट अच्छा है, एज बैंड में क्या सिनेरियो, क्योंकि एज बैंड एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैमिनेट के कंजम्पशन का, पैनल के कंजम्पशन का। हमारा सबसे ज्यादा जो कम डिमांड है वो एज बैंड में ही है, तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि एजमेंट कम बिक रहा है इसका मतलब इंटीरियर में काम कम हो रहा है, जबकि पार्टीशन ज्यादा बिक रहा है इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को इसको क्या हम इस नजर से देखें क्या? अभी लोगों ने कारपेंटर्स को अलाउड नहीं किया घर में, तो इसलिए एजमेंटिंग बिक नहीं रहा है बिल्कुल भी। कब तक उम्मीद है दिल्ली एनसीआर रीजन में, खासकर क्योंकि ये कोविड से बहुत अफेक्टेड है संजय जी, कब तक उम्मीद है कि एजमेंट दिल्ली एनसीआर रीजन में अच्छा बिक सकता है या उससे हम मेजर करें कि डिमांड अच्छी आ रही है? ये तो कोविड ही बताएगा। क्या अभी हम परसेंटेज में एजमेंट की रफली डिस्पैचेज बता सकते हैं आप हमारे लिए ऑडियंस के लिए? टोटल तो 15% है लेकिन मैक्सिमम साउथ में ही जा रहा है माल। तो अगर हम उस टोटल जो डिस्पैचेज है उसका कितना परसेंट साउथ में जा रहा है? मतलब जो टोटल डिस्पैचेज का 75% साउथ में जा रहा है, 25% नॉर्थ में। तो ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि नॉर्थ इंडिया अभी भी साउथ इंडिया के मुकाबले मार्जिनल मूवमेंट कर रहा है, हालांकि मैन्युफैक्चरर्स आर सेइंग दे हैव 35-40% ऑपरेशनल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेल्स आर आल्सो हैपनिंग ऑन द सिमिलर रेशियो, बट इफ वी कोरिलेट विद संजय जीज फिगर्स इन एच बैंड, तो ये समझ आता है कि उसमें एक गैप है, यानी डिमांड अभी भी 40-35% के लेवल्स पे नहीं है, सिर्फ 10-15% पर है, क्यों संजय जी? क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? मैं एज बैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, बाकी हमारे लैमिनेट में 30% की सेल आ रही है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ये आप 30% की सेल टोटल प्रोडक्शन का कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। और उस 30% का नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया क्या है रेशियो? वही 25% और 75%। दैट सेम, सो इसका मतलब नॉर्थ में डिमांड हम जून के महीने में जरूर देखेंगे, दिल्ली ओपनिंग हो रहा है, नॉर्थ इंडिया और ज्यादा ओपन हो रहा है, बॉर्डर्स इशू है, लेकिन जैसा पैनलिस्ट बताते हैं उस लिहाज से नॉर्थ इंडिया को रिकवर करने में अगले कुछ दिनों में हम और बढ़ोतरी देख सकते हैं। अंकुर अग्रवाल जी एक वीनियर मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ अच्छे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर भी हैं, रेडीमेड फर्नीचर भी बनाते हैं। अंकुर अग्रवाल जी, रेडीमेड फर्नीचर में क्या कोई ट्रैक्शन दिखा आपको कंपेयर टू विनियर, कंपेयर टू डोर्स, बिकॉज़ यू प्रोड्यूस ऑन दिस? देखिए प्रकाश जी, नॉर्मली जो इंक्वायरी और जो डिमांड या जो इंक्वायरीज हैं वो रेडीमेड फर्नीचर में विनियर से बेटर हैं, और वैसे तो बायर एटीट्यूड कॉशियस है। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वैसे तो बायर एटीट्यूड कॉशियस है, वेट एंड वॉच है, अभी डिस्कशंस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक दो ऑर्डर्स मटेरियलाइज भी हुए हैं। हम लोग ने तो 20-21 तारीख के बाद ही स्टार्ट किया था, तो नोएडा के अंदर में तो एक दो ऑर्डर्स, स्मॉल ऑर्डर्स मटेरियलाइज भी हुए हैं। बट मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जैसा हम लोग लॉकडाउन में मैं सोच रहा था कि पहले 15-20 दिन ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं आएंगे, चीजें उससे बेहतर हैं, मतलब डिमांड डेफिनेटली सबड्यूड है, लेकिन जो ओरिजिनली सोच रहे थे उतनी भी पेसिमिस्टिक नहीं है, उससे बेटर है। I would say better than expected. हालांकि overall subdued है। धन्यवाद अंकुर जी। अच्छा साइन है कि better than expected demand है। रोहित खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। करोल बाग में प्लाई होम के नाम से इनकी रिटेल शॉप है। रोहित जी एक छुपे रुस्तम है,
छुपे रुस्तम से आशय है, ये बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और बहुत सिंसियर वर्किंग करते हैं। इनके पास वीनियर, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, रिटेल में एक अच्छी पकड़ रखते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। रोहित जी, आप कितने सहमत हैं अंकुर जी से डिमांड के मामले में? ये जो अंकुर, मेरी आवाज आ रही है ना सर? ये आ रही है, और जोर से बोलेंगे तो और अच्छा होगा। सर आगे बढ़ जाता हूँ, जो अंकुर जी ने कहा वो बात ठीक है। अभी जो इनिशियली हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, वो जो पाइपलाइन में रुकी हुई रिक्वायरमेंट थी, और वो एकदम से लॉकडाउन खुलते ही हमारे पास आई है, जिससे शुरू के दिनों में ऐसा लगा कि काम 100% आना चालू हो जाएगा। लेकिन उस इनिशियल स्टेप के बाद में अब थोड़ा सा काम स्लो होगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद थर्ड स्टेप में दोबारा जा करके आएगा काम। मैं प्रगत जी, ये जितने भी अपने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब जो भी सब यहाँ बैठे हैं, इनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है। अभी कोई सज्जन कह रहे थे 35% काम आएगा, कोई कह रहे हैं 30 आ गया, कोई आ कह रहे हैं 40 आ गया। मैं इन सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस साल ये इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इन 100% काम मिलेगा? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो मेरा मानना या मेरा सोचना इससे बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे को एक नए माइंड सेट के साथ में उतरना पड़ेगा। इस 2020 और 21 में हमारे को कोई 100% काम आने वाला नहीं है, हमारे को टोटल काम ही उतना मिलेगा, 30-35-40% जो कि आप लोग अभी कह रहे हैं। तो ये चीज एक जो धारणा है हमारे को, इसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा, और इतना ही काम हमें करना है और इतना ही काम हमें मिलेगा, इससे ज्यादा काम की चाह में हो। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ अंकुर जी ने अभी कहा, विकास जी ने अभी कहा कि हम लोग 30-25% पे पहुंच गए हैं, कहीं ये आप इसी पे रोक देंगे, मतलब आगे ग्रोथ भी नहीं होगा? अरे इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 100%, अगर आप सोचे कि मेरे साथ की 3 महीने जो मैं घर में बैठा इसकी रिकवरी में आने वाले टाइम में कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको कैलेंडर ईयर में से 3 महीने निकालने पड़ेंगे। मैं आपको रोकते हुए जरा विनोद जी से और संजय जी से दोनों के पास आऊंगा। विनोद जी, रोहित जी कह रहे हैं कि 30% पे ही रहना है, 35 पे ही रहना है, क्या आप इससे सहमत दिखाई दे रहे हैं? देखो ये तो ना भविष्यवाणियां होती हैं। नहीं, फिर भी आपका, मैं तो आपका अंतर्मन देखिए, हर एंटरप्रेन्योर सब चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अब जैसे कोरोना का ये सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल है, एज हर एंटरप्रेनर का एक अपना होप होता है, अपनी एक आशा होती है, भविष्यवाणी नहीं, एक इंट्यूशन होता है कि ये काम होगा, इतने परसेंट हम रिकवर कर जाएंगे। रोहित कंडेलवाल जी ने अपनी इंट्यूशन जाहिर कर दी, आपकी क्या इंट्यूशन कहती है? क्या ये 50-60-70 पहुंचेगा या और ज्यादा पहुंचेगा? जो जैसे इन्होंने कहा कि जो पीछे लॉस हुए हैं, जो काम कम हुआ है, वो तो आगे हम कवर नहीं कर सकते। ठीक, हम अगर जितना लॉकडाउन से पहले काम था, आने वाले महीनों में उतना काम भी कर लें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर पूरे साल का देखें, अगर 19-20 का हम टर्नओवर 20-21 से मैच कर लें, तो 50-60% भी उसके टोटल पहुंच जाए, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यानी रोहित जी, आप ये बात ही कह रहे हैं टर्नओवर का? आपकी आवाज नहीं आ रही रोहित जी। मैं वही बात कह रहा हूं जो विनोद जी अभी जिस चीज के लिए हामी भर रहे हैं। हम पिछली बार के मुकाबले जो टर्नओवर हमने लास्ट ईयर करा था, वो टर्नओवर हम नहीं कर सकते। हमें इस साल अपनी सोच, अपनी समझ के हिसाब से बहुत धैर्य से काम करना होगा। अगर हम कोई भी काम एक्साइटेड होके करते हैं, और तो अल्टीमेटली हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। रोहित जी, दो चीजें हैं, सवाल दो है, बताइए। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, आपने मेरा सवाल उठा लिया, लेकिन अच्छा है सवाल कोई भी पूछे। संजय जी, संजय गर्ग जी, अनम्यूट करना होगा आपको। संजय जी, संजय जी के बाद में सीधे प्रकाश जी के पास आऊंगा। संजय जी। हाँ जी प्रगति जी। सर ये बताइए कि आज 35% सेल पहुंच गई फैक्ट्रियां जून के फर्स्ट वीक में या मई के एंड में, ठीक है, आपने भी कहा, बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा, ये 100 पे कब जाएगी? यानी ये 35% 100 पर किस महीने में पहुंचने के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं, या 90 पे या 80 पे कब पहुंचने के आसार दिखाई दे रहे हैं? सर अभी जो सेल आ रही है वो आ रही है, और नई सेक्टर से, जो मान लो जो बिल्डर अपने फ्लोर्स पूरे कर रहा है, फर्नीचर फैक्ट्रियां चालू हो गई, मॉड्यूलर किचन वाले चालू हो गए, जब तक एक एप्लीकेटर, जब तक हमारा एप्लीकेटर गांव से नहीं आएगा और हमारे कंज्यूमर उसको अपने घर में एंट्री नहीं करने देगा, जब तक ये ग्रोथ को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये हम मान लें कि
ऐसा कहा जाता है कि वर्कर्स सितंबर तक नहीं आने वाले, क्या हम ये मान लें कि दिसंबर तक हम नहीं पहुंचेंगे? मॉनसून तक तो वर्कर आएगा नहीं, मॉनसून के बाद ही आएगा वर्कर। यानी ऑडियंस के लिए ये टेक अवे है, जहां पर तीन लोगों ने अपनी राय रखी कि सितंबर अक्टूबर तक हम 40-50% पर ही फ्लोट करें वो बहुत बड़ी बात होगी। आशीष गुप्ता जी, आपको भी अपनी आवाज पास आकर बोलनी होगी क्योंकि क्रैकिंग है, आपकी तरफ सिग्नल इश्यूज हैं। बोलिए। आपके राजस्थान में, आप राजस्थान के एक अग्रणी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राजस्थान में डिमांड की सिनेरियो 100% पर, 90% पर, 80% पर जाते हुए कब तक देख रहे हैं? देखिए प्रगत जी, 80-90% डिमांड मुझे लगता है कि ये अक्टूबर नवंबर तक मतलब आ जाएगी धीरे धीरे, ग्रेजुअली। देखिए मई में 35% के अप्रोक्स थे, जून में आई एम एक्सपेक्टिंग 50% के अप्रोक्स रहेगी जैसे जैसे खुल रहा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे राजस्थान में उतनी प्रॉब्लम नहीं है मतलब कोविड की, कुछ बड़े टाउन्स में कुछ जगह पर है जैसे जयपुर जोधपुर कुछ सिटीज में है, बट अदरवाइज जो बी टाउन्स हैं टायर टू टायर थ्री टाउन्स जो हैं, रूरल जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है और वहाँ पे डिमांड्स काफ़ी बेटर हैं। सेकेंडली जो कुछ जगह पर इश्यूज आ रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर लेबर वगैरह के, वो शायद राजस्थान में उतने नहीं है बिकॉज राजस्थानी कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ तो जो बाहर रहते थे वो भी रिटर्न हो गए, तो वो लोग भी दे आर ऑल्सो फाइंडिंग सम वर्क ओवर हियर। दैट वे मतलब मुझे लगता है धीरे धीरे थिंग्स आर इंप्रूविंग। रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष जी, ये जो आप बता रहे हैं कि काम 30-35% आपको मिल जाए, ठीक है ना, आप ये बता रहे हैं ना राजीव? तो सर आप और आगे आए जरा, रोहित जी आप और आगे आए। मैं आ गया सर, अब ठीक है आशीष जी। आशीष जी, ये जो 30-35% काम आपको लॉकडाउन खुलते मिल गया, अगर आप क्यों आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते कि जो पाइपलाइन में रुका हुआ काम था वो एकदम से झटके में आया और आपको 30% लगा, आप ऐसा क्यों नहीं मान के चलते कि 15 दिन में या 2 महीने में या 1 महीने बाद जब वो 35% डिमांड आप खत्म कर देंगे तो दोबारा से वो 15-20% पे पहुंच जाएगी, तो 35% का इंक्रीज कहाँ दिख रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि 35% के बाद आप दोबारा एक बार 15-20% पे आएंगे और उसके बाद धीरे 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 करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल रोहित जी आपने, एकदम बहुत बढ़िया सवाल बोलिए। जो आप बोल रहे हैं वो शुरुआत में जब मई में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एकदम से ऑर्डर्स काफी थे, वो क्योंकि पाइपलाइन में जो रूरल एरियाज जो थे वहां पे लॉकडाउन के अंदर भी काम हुआ तो लोगों ने माल बेचा है, उनके यहाँ पर शॉप्स में माल खाली हो गया था, तो हमें भी लग रहा था कि ये डिमांड इनिशियल पुश ही है कि भाई ये 10-15 दिन ही चलेगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं जाकर के डिमांड शायद कम हो जाएगी। मैं इसका जवाब जरा एक बार विकास खन्ना जी से लेना चाहूंगा। कलेक्टिव विकास जी, कलेक्टिव आपकी फाइंडिंग क्या है? आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। देखिए प्रगत जी, जो रोहित जी ने कहा, आशीष जी ने कहा, संजय जी ने कहा, एक्चुअली है क्या, स्टार्टिंग में जो सेल्स मिली हमें वो पैनिक सेल्स थी। उस समय डीलर को सबको ये था कि कल फैक्ट्रीज का क्या होगा, वो चलेंगी नहीं चलेंगी, तो उन्होंने एक बार जो मटेरियल अपने घर में लाना था वो लेके आए। रोहित जी जैसे कह रहे हैं ग्रेजुअली पहले 30-40% सेल्स मिली, उसके बाद 15-20%, ऐसा बीच में कुछ एक हफ्ते के लिए हुआ कि लोगों को लगा कि सेल डाउन हो रही है, बट अभी लास्ट वीक से दोबारा लोग ये माल मांगने लग गए हैं। धीरे धीरे जो हमारे कारपेंटर्स हैं, जैसे संजय जी ने कहा कि वो जब तक घरों के अंदर नहीं आएंगे तब तक हमारे को सेल्स नहीं मिलेंगी, तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कारपेंटर्स भी आ रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि फिलहाल दिसंबर तक हमारी सेल्स जो है वो 50% तक ही टच कर पाएंगी, इससे जाने की कोई स्थिति हमें नजर नहीं आ रही। प्रकाश खेतावत जी, आपका क्या व्यू है सर इसमें डिमांड में, कि ये डिमांड थोड़े दिन जिंदा रहेगी इसके बाद फिर आधी हो जाएगी ऐसा रोहित कहते हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। मैं इस बात को दूसरे तरफ से पुट करना चाहता हूं। रोहित जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, आशीष जी जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। रोहित जी दिल्ली की सिनेरियो बता रहे हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, जो मेजर जहाँ पर मोस्ट कोरोना इफेक्टेड सिटीज हैं वहां तो वही पोजीशन रहेगी जो रोहित जी बोल रहे हैं।
आशीष जी जो बोल रहे हैं, जो पैन इंडिया में जो टू टायर सिटीज है, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन तक सीमित नहीं है। तो जो टू टायर सिटीज है या जो साउथ है वहां से डिमांड्स अच्छे रहेंगे। मैं इसको दूसरे एक और इसको रूप देना चाहता हूँ कि 45 डेज वॉज अ स्टॉप बटन, इट वॉज अ पॉज बटन, इट वॉज नॉट अ स्टॉप बटन, इट वॉज अ पॉज बटन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ स्लो मोशन, ये अक्टूबर नवंबर तक स्लो मोशन चलेगा। उसके बाद मेरे को पर्सनली फील होता है देखिंग पैन इंडिया सिनेरियो में कि अराउंड सितंबर अक्टूबर नवंबर पे ये 75% पे आ जाएगा एंड पोस्ट मार्च ये 100% आ जाएगा जो पहले सेल था। पर्सनली आई बिलीव लुकिंग एट द पैन इंडिया सिनेरियो नॉट द मेट्रोपॉलिटन सिनेरियो। ये एंटरप्रेनर्स का इंट्यूशन है जिसकी मैं बात विनोद जी से कर रहा था। अंकुर अग्रवाल जी IIT से है, IIT जाना जाता है हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में। अंकुर जी भी जाने जाते हैं बड़ा मुखर होकर देर तक बोलने के बारे में। अंकुर जी आपसे पूछना है, डिमांड जो प्रकाश जी कह रहे हैं 75% पहुंचने की अक्टूबर तक अपने दिल से, वो आप हैं क्या? क्योंकि आप तो सबसे पहले मार्केटिंगर हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो ये बात हो रही है कि 35% डिमांड आ गई है, मेरा इस बारे में कहना है कि 35% डिमांड प्लाईवुड के हर सेक्टर में नहीं आई है। अभी डेकोरेटिव विनियर में मेरे हिसाब से, मेरे यहाँ भी और जितना मैं दूसरी फैक्ट्रियों से बात कर रहा हूँ, डेकोरेटिव विनियर में पोस्ट लॉकडाउन 35% डिमांड फ्रैंकली नहीं आई है। वो तो प्री लॉकडाउन हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स थे जो हम बना रहे हैं, पोस्ट लॉकडाउन डेकोरेटिव विनियर में 35% पहले तो अभी डिमांड नहीं आई है, प्लाईवुड में डेफिनेटली आई है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें मेरा मत दूसरा है, पहली बात की कब 50% आएगी, कब 75% आएगी, कब 100% आएगी, इस बारे में ना तो मेरे को पता है ना मैं इस बारे में चिंतित कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ ना प्रेडिक्ट करने कोशिश कर रहा हूँ। उस प्रेडिक्शन से मेरे किसी बिजनेस डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने अपनी टीम को बोला है हमें डबल एफर्ट लगाने हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि 75 नहीं कब तक आएगा। आपने कहा कि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल इंट्यूशन ये नहीं जानता कि वो कब आएगी, लेकिन ये जरूर मेरा इंट्यूशन कहता है कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं इस बात से मेरा कहना ये है कि ना मेरे को पता है ना ये सवाल का जवाब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। राइट मेरे हाथ में है ही नहीं। आपका इम्पोर्टेंस उस बात पे है कि हम कर क्या सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। इसके लिए हम आपका मतलब आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत, एक सेकंड सर, हाँ इस क्लैरिटी के लिए बहुत मेरे स्क्रीन में कुछ समस्या आ रही है। हाँ धन्यवाद अंकुर जी। वरुण खेमका जी, वरुण जी डिमांड कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी इस पे तो राय एक मिलती महसूस हो रही है कि अक्टूबर नवंबर तक हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। एज ए इंडस्ट्री क्या 30-40-50% के ऑपरेशन पे सर्वाइवल है? सी देखिए, जो भी हर एक कंपनीज के मार्केटिंग ओवरहेड्स हैं और बाकी सारे ओवरहेड्स हैं वो कहीं ना कहीं 40-50% के ऊपर सर्वाइवल नहीं है। और जैसा और मार्केट से न्यूज आ रही है या हम अपने बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हर जगह थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली हो रही है और हर एक कंपनीज को थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग, ये थोड़ी बहुत को क्वांटिफाई कर सकते हैं? सर क्वांटिफाई करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट आज अगर कोई भी आज जैसे जो भी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, आज अगर एक जस्ट फॉर एग्जांपल से अगर बात करें तो आज काफी सारे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स को एक बार कट किया जा रहा है और मार्केट में ये आपका ये कहना है कि उस लेवल पर हम सस्टेन नहीं कर सकते, इस वजह से हम अपनी कॉस्ट को जहां जहां कम कर सकते हैं उसको कम कर रहे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री की स्टेटरी कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते। क्या जी राइट आप बोलिए। हाँ क्या हम कहीं उस स्थिति में तो नहीं है जहां पे कैश लॉस हो रहा हो या होता रहे दिसंबर तक? ये देखिए, जब तक प्लांट्स बंद हैं, जब तक हमारे ऑपरेशंस नहीं थे तब तक हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी वैसी सिचुएशन थी। आज अगर हम 30-35% पे भी चला रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या नेक्स्ट मंथ से हम 50% देख सकते
सकते हैं, इफ यू आर एबल टू अचीव 50% फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सर्वाइवल के लिए किसी भी कंपनीज को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि हम लोगों को सबको ही अपने अपने कॉस्ट को देख के हर जगह हर लेवल पे मिनिमाइज करने की जरूरत है। विनोद जी, 50% 40% ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कॉस्ट कटिंग, जैसे फैक्ट्रियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर आप लोगों के पास भी सेल्स टीम होती है। मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं आपके ट्रेंड डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली एनसीआर रीजन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। ये सवाल मेरा आशीष जी के पास भी आएगा, क्या आप लोग भी कोई कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं या बोझ सिर्फ फैक्ट्रियों पर है? अभी तक तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की, क्योंकि लेबर असल में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ना थोड़ा इस लेवल पे डिफरेंस रहता है। हमारे पास लेबर की इन्वॉल्वमेंट भी उनके मुकाबले बहुत कम है, फैक्ट्रीज के मुकाबले। सेल्स टीम जरूर बराबर होगी आजकल, तो अभी तक तो कोई कटिंग नहीं किया है, ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक। धन्यवाद विनोद जी। आशीष जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं जरा आशीष जी का व्यू ले लूं। आशीष जी, मेरा सवाल ये था कि फैक्ट्रियां 50% ऑपरेट करेंगी तो वो काफी सारी कॉस्ट को कम करने का प्रयास कर रही हैं या करेंगी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी इस तरह का कोई प्रयास करती हैं या उनको कोई इस तरह का दर्द है? नहीं, बिल्कुल है, हमारे पास भी टीम काफी बड़ी है और कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट में हम लोगों ने जैसे हमारी मार्केटिंग मतलब ओवरऑल जो भी टीम है ऑपरेशनल में भी है, ऑपरेशंस में भी है, लॉजिस्टिक्स में, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सब में, तो हमने सब में एक तो सैलरी कट किया है टू द ट्यून ऑफ 10% to 30-35% समथिंग, और स्टाफ भी जो है वो हमारा मतलब दे आर हैप्पी, उनको कोई इशू नहीं आए। सो द डिस्ट्रीब्यूशन फर्म इज रिड्यूसिंग द सैलरी या उसके अलावा जो कुछ जैसे बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो थे वो कुछ बजट किया है कि हम थोड़ा इस साल कम करेंगे, डीलर्स को कुछ स्कीम्स वगैरह जो देते थे वो कुछ कम करेंगे, और इस तरीके से मतलब कुछ बनाए हैं। कुछ हमने अपनी ऑपरेशंस की कॉस्ट को भी मिनिमाइज करने के लिए प्लान किया है, तो ऑपरेशंस कॉस्ट कैसे हम कम कर सकते हैं। यानी अगर फैक्ट्रियां या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 50% 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है तो वो अपने अपने नजरिए और अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं कॉस्ट को बैकसीट पर ले जा रही है। हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है या उनकी होप्स हैं या उनके प्लान्स हैं, या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी जिनके होप्स हैं और प्लान्स हैं, वो अभी कोई रिडक्शन नहीं कर रही, वो बुलिश है। अंकुर जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, अभी जो बात चल रही थी ना मार्केटिंग एक्सपेंस की, तो देखिए देयर इज सम एक मार्केटिंग एक्सपेंस है और एक सेल्स एक्सपेंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस मार्केट सिनेरियो में सेल्स एक्सपेंस एटलीस्ट मेरी कंपनी का कम करने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग और एग्रेसिव आ रहे हैं, हम तो सेल्स एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं। सवाल ये नहीं था आपकी कंपनी का, हम तो एक व्यू जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल अगर एक कंपनी 40% पे ऑपरेट कर रही है, 50% पे ऑपरेट कर रही है, तो वो इस नुकसान को या इस लॉस को कैसे भरेगी? दैट्स इट। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो नुकसान ज्यादा सेल करके ही भरा जा सकता है। ज्यादा देखिए, ये कैश 22 सिचुएशन है, जो प्रोडक्शन कम होगी तो इस साल लॉस होगा, उस लॉस से हम नहीं बच सकते। अब उससे कुछ मिनिमाइज करने का तरीका ज्यादा सेल्स है। ज्यादा सेल्स के लिए हमें ज्यादा एग्रेसिव सेल्स कर दिए, अगर उसी से हम बच सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में डिमांड आएगी तभी। चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज, वैलिड पॉइंट है, कैच 22 सिचुएशन। राहुल चुरारिया जी कहते हैं कि सेल्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मार्केटिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि वी आर कटिंग डाउन द मार्केटिंग कॉस्ट एंड हियर कम्स द कैच 22 सिचुएशन। थैंक यू अंकुर जी फॉर एडिंग सो मच वैल्यू। संजय गर्ग जी, आपसे सवाल है कि क्या कंपनीज, क्योंकि आपका कैलकुलेटर सुपर चलता है, आई एडमायर यू फॉर द कैलकुलेशन एंड बिजनेस द वे यू डू बिजनेस, इसीलिए मैं तो आपको चाहता था कि आप मुखर होके बोले, क्या कंपनीज को कॉस्ट बिल्कुल घटानी चाहिए 40-50% ऑपरेशन पे? मार्केटिंग कॉस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक तो कम कर रहे हैं हम लोग जी, इन्वेंटरी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, जहाँ पे इन्वेंटरी पड़ी है उसको रीशफल कर रहे हैं जी, तो उस तरीके से कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं। अगर 50% पे चलती है तो हम एट पार रह सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री। यानी कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका कोई रिटर्न नहीं है उसको कम करने की कवायद
फैक्ट्रियां कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर रहे हैं। यहां से आगे चलते हैं, कंक्लूजन अब तक के डिस्कशन में निकला, सेल्स 30-40% है, लेकिन रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू में रोहित खंडेलवाल जी के हिसाब से सेल्स 10-15% से ज्यादा नहीं है। और इस गैप को ढूंढते हैं कि ये गैप आया क्यों। एक रिटेलर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो सेल्स 10-15% है, एक होलसेलर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो 35% है, एक फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां भी 30-50% है। इसका मतलब कि एक वेरिएशन है जो इस पैनल में निकल के आ रहा है और ये वेरिएशन बहुत बड़ा है। रोहित से पूछता हूं, रोहित भाई ये वेरिएशन क्यों लग रहा है आपको सबका सुनने के बाद? देखिए प्रगट जी, जितने भी लोगों से आप यहाँ पर अभी तक सुने हैं, चाहे वो आशीष जी हो, चाहे संजय जी हो या विनोद जी हो, आशीष जी ने कहा कि मैंने 10-35% सैलरी कम कर दी। संजय जी ने भी कुछ ऐसे ही कहा कि हमने मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम कर दी। तो इन सब लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भय तो है कि उस लेवल का काम ये नहीं करेंगे इस साल। ये तो है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। हाँ तो ये सर देखिए कि वो 40 और 15 क्यों है, इतना बड़ा गैप क्यों है, आपका 15 और उनका 40 क्यों है? देखिए ऐसा है कि ये सब लोग अभी होलसेलर्स हैं, अभी इनको जो पाइपलाइन से जो भी रिक्वायरमेंट आई वो सब मिली, उसके बाद में अभी धीरे धीरे करके इनका, अब मैंने मानो मैं रिटेलर हूँ, मैंने अपने घर का रखा हुआ सामान तो हाथों हाथ बेच दिया, उसके बाद स्टॉक में रखने के लिए मैंने लोगों से माल मंगाया, ये स्टॉकिस्ट हैं। तो अल्टीमेटली इनके लिए तो गैप, अभी इनके लिए तो वो परसेंटेज अभी चली रही है, बढ़ी रही है, लेकिन एंड यूजर के हिसाब से देखा जाए, मार्केट में जाकर के एंड यूजर पे जो माल की खपत हो रही है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, ये धीरे धीरे होगी। तो आप ये समझने की, हमारे जूम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हजारों ऑडियंस के लिए सवाल भी रोहित का और जवाब भी रोहित ने दिया कि सवाल ये था कि इतना गैप नहीं है, और जवाब भी रोहित भाई ने दिया कि इतना इसलिए है क्योंकि रिटेल पर सवाल अलग है, होलसेल और फैक्ट्री पे अलग है। थैंक यू रोहित भाई सवाल भी पूछने के लिए, जवाब भी देने के लिए। विकास जी के पास आता हूँ कि विकास जी आप एक एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया में 1500 से ज्यादा है, क्या इंडस्ट्री और ट्रेड किसी भी तरीके से सैलरीज में कोई इंक्रीज देख रहा है? जैसे कि लॉकडाउन जब हुआ तो कंपनीज ने 40%, 30%, 50%, 60%, व्हाटएवर ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ने 80%, 70%, 90%, इस तरह से सबने व्यक्ति परिस्थिति और कंपनी के हिसाब से अपना अपना एक पैमाना महीने के हिसाब से तय किया। विकास खन्ना जी से सवाल है कि अगर फैक्ट्रियों की सेल 50% ही रहेगी तो क्या सैलरीज में 100 हो जाएंगी या 40-50 रहेंगी या कहां पर आप देख रहे हैं? मैं जानता हूं सबके अपने अपने नियम है, सबके अपने अपने जेब है, लेकिन आपका एज ए अध्यक्ष, एज ए एक पोस्ट पे बैठे हुए मत क्या है? देखिए अनलॉक के बाद ये बहुत जरूरी सवाल है विकास जी। देखिए प्रति जी, इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी है, हमारा एक जिस तरह एक रुपया होता है हमारे पास, एक रुपए में 70 पैसे जो है वो हमारे होते हैं रॉ मटेरियल के, या जो प्रोडक्ट हम अपनी फैक्ट्री में बंगाते हैं। उसके बाद 10% हमारा होता है जो आपका ये कह सकते हैं कि हमारे टैक्सेस है या गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स है, जो भी चीज है, 10% हम सैलरीज को काउंट करके चलते हैं अपनी प्रोडक्शन बेस के अंदर। अब उसमें है क्या, जितने भी हमारे स्टाफ है वो लोग भी वेल अवेयर है कि जो स्थिति ये कोरोना पैनडेमिक की वजह से बनी, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमें उन सबको बुला के उनकी जो बेसिक नीड्स है वो समझ के ये सैलरी डिसाइड करनी चाहिए। इसमें 30% कट, 40% कट, 20% कट वाला मैटर बाद में आता है, पहले हमें एज अ पर्सन उनको बुला के उनकी बेसिक नीड समझे। उनकी बेसिक नीड समझने से वो भी समझ रहे हैं कि फैक्ट्री या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो हैं, हमारे रिटेलर भाई जो हैं, वो भी प्रॉब्लम में, तो वो आपके साथ खुद ब खुद एडजस्ट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी उनकी तरफ से 100% एक्सेप्टेंस है कि अगर हम लोग उनको कहते हैं कि हम इस स्टेज पे इस सैलरी को देने की स्थिति में नहीं है और हम आपके लिए कुछ कम करके देंगे, तो दे आर एडमिटिंग दैट थिंग, बिकॉज हमारे परिवार है, वो बेसिकली हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आज 20 साल से 30 साल से जुड़े हुए हैं,
और वो लोग देख भी रहे हैं कि जिस तरह हम पहले चल रहे थे और आज हम कैसे चल रहे हैं। आपका ये कहना है कि कोऑपरेशन दोनों तरफ से जारी है, अभी तुरंत हम 100 पे नहीं पहुंच सकते, हम वक्त के साथ पहुंचेंगे और इसमें वक्त लगेगा, क्या ये आप ये कह रहे हैं? जी मैं यही कहना चाह रहा हूं। और ये वापस प्री कोरोना स्टेज पर कब तक पहुंचने के आसार देख पा रहे हैं? वापस प्रकृति जी, मैं ये समझता हूं कि जनवरी से पहले 2021 से पहले हम लोग वापस उस स्टेज पे आने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि हर आदमी इसको कोविड को देखते हुए थोड़ा घबराया भी हुआ है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा और जनवरी पोस्ट 2020 मींस जनवरी फरवरी के अंदर आपका स्टाफ भी आप भी कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे अपने आप में, आपको डिमांड्स भी आनी शुरू हो जाएंगी और आप धीरे धीरे उस पोजीशन पे आते चले जाओ। ऑडियंस के लिए ये टेक अवे विकास खन्ना जी का है, मैं इस पे संजय गर्ग जी से भी कुछ व्यू लेना चाहूंगा कि संजय जी आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर, अब तक आप देख रहे हैं कि हम उन अपनी टीम को वापस उस स्टेज तक ले जा पाएंगे जहां पे वो भी और आप सभी भी एक जगह मैच हो जाए वापस? जब तक देखो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कारपेंटर या एप्लीकेटर जो यूज करता है, जब तक हम उसको अपने घर में घुसना अलाउड नहीं करेंगे हम उस स्टेज को देख ही नहीं सकते। तो सैलरीज और जो सैलरीज जा रही थी, स्टाफ हो, अकाउंट्स हो, सेल्स हो, बैकहेंड हो, सबकी सैलरीज में गिरावट आई है, कुछ कट्स आए हैं क्योंकि कंपनी, तो वो नॉर्मल सी, क्योंकि सेल में तो आपने कह दिया कि टाइम लगेगा जी, जनवरी फरवरी दिसंबर, व्हाट अबाउट द सैलरीज ऑफ पीपल बिकॉज दे कैनॉट वेट दैट लॉन्ग राइट, तो उनके लिए क्या व्यू है? उनका भी तो 80% कोई 75% पे सेटल हो गया मोटा मोटी सबका। सो संजय जी का कहना है कि कहीं ना कहीं कट है और वो कट आगे अभी चलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। वरुण खेमका जी कुछ ऐड कर सकते हैं आप इसमें कोई क्लैरिटी, क्योंकि इस वेबिनार का पर्पस है सभी को एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की राय से अवगत कराना और सबको जोड़ के रखना। वरुण जी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं या कोई भी ऐड करना चाहे तो वो उंगली उठा के अपना पॉइंट रख सकते हैं। देखिए इस मैटर में मैं विकास जी से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि एम्प्लॉयज भी जो हमारे स्टाफ हैं वो एक तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली है और कहीं ना कहीं सबने इस चीज़ को समझा भी है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में जहाँ पे अभी कंपनीज के पास भी फंड्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है वो भी हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग टू वर्क बोलिए, काम करने का तरीका बोलिए, या अगर कहीं किसी कंपनीज में सैलरीज थोड़ी 19-20 भी हो रही हैं तो भी वो एडजस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा हमारे को भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस टाइम में। हो सकता है कि ठीक है अंटिल दिसंबर सेल्स नहीं आए या 50% रहे 40% रहे, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सेल्स वापस भी आएगी और इन लोगों के माध्यम से ही सेल्स हमारे को आनी भी है। यानी कोऑपरेशन अभी आगे जारी रहेगा और कोऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रकाश खेतावत जी, प्रकाश जी जैसा अंकुर जी कह रहे थे कि वीनियर्स में वो डिमांड नहीं है जो बाकी पैनल प्रोडक्ट में देखी गई है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100% सहमत हूं अंकुर जी से। मैं जो थोड़ी देर पहले जो बता रहा था अपने सेल्स का टारगेट जो बता रहा था या जो सेल्स मैं प्रेडिक्ट कर रहा था ये इंक्लूडिंग वीनियर एंड प्लाईवुड है। ऑन बेसिस ऑफ वीनियर वी कैन नॉट अचीव दैट टारगेट, हाई टारगेट्स। अभी वीनियर ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं आएगा, सेल्स नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक कल्चर चालू हो गया है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम होने से हर आदमी चाहेगा घर में कोई छोटा ऑफिस या वर्क प्लेस या स्टडी कुछ बनाने से, उसमें भी देखिए प्लाईवुड एंड वीनियर्स कंज्यूम होगा, वो एक सेक्टर है। और तो क्या है कि 100% वीनियर पर डिपेंडेंसी एंड 100% वीनियर को अगर अपने आज हम 100% पहले जैसा अचीव करना चाहें तो अभी दूर की बात लगती है। हाँ जॉइंटली अगर सोचे तो टारगेट्स बहुत ज्यादा दूर नहीं लगते। थैंक यू प्रकाश जी। डिस्ट्रीब्यूटरों से मेरा सवाल है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन फर्म कोविड के बाद अपनी रेलिवेंस वैसा ही देख रहे हैं? फैक्ट्रियों की रेलिवेंस है क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर फर्म इस कोविड के दौरान, मेरी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से बात होती है, वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के पैसे उस स्पीड से नहीं आ रहे। ये भी बात होती है कि प्लाईवुड में पैसे धीरे आ रहे हैं और लैमिनेट में नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, सॉरी प्लाईवुड में बहुत धीरे आ रहे हैं और लैमिनेट में थोड़े कंपैरेटिवली जल्दी आ रहे हैं। आशीष जी इस पॉइंट पर आपका क्या सिनेरियो है, क्या कहना है, कमेंट क्या है?
ऐसा नहीं है प्रगत जी, पर्टिकुलर लेमिनेट और प्लाईवुड को तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारे सभी चीजों की बिलिंग होती है एक डीलर को, डिपेंड डीलर टू डीलर करता है वेरी। बट देखिए अभी 2 महीने चूंकि पूरा बंद था, तो एकदम से ओल्ड जो आउटस्टैंडिंग्स हैं वो एकदम से तो नहीं आ पाएंगी, परिस्थिति को हम भी समझ रहे हैं और डीलर भी समझ रहा है। बट ये लिक्विडिटी में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, उसके लिए आपको आभार भी है। आपने एक वो वीडियो भेजा था 2 मिनट का, जिसमें आपने ये बोला था कि भाई सभी फैक्ट्री वालों को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डीलर्स को सपोर्ट करना चाहिए। वो वेबिनार हमने आपने शायद अप्रैल 15 के आसपास भेजा था, आई थिंक 12th अप्रैल को भेजा था क्या आपने? 7th अप्रैल से वो फ्लोट होना तो शूट तो हुआ था 5th अप्रैल को। उसके बाद में क्या हुआ प्रगत जी, आपने जो भेजा ना वो हम लोग भी उससे पहले तक क्या थे, 15 दिन तक बैठे हुए थे, कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे थे भी, जितने हमारे पास मींस थे उससे हम लोगों ने अपने सप्लायर्स को, अपने फैक्ट्री वालों को, सबको हमने पे किया। उसके बाद ये समझ में आने लगा भी थोड़ा बहुत तो अपने को मार्केट से कलेक्शन के लिए करना चाहिए। फिर आपने जो वो वीडियो भेजा वो हमने वायरल किया पूरा अपने डीलर्स में और सबको, हमने अपनी टीम को लगाया है, सबको रिक्वेस्ट करो थोड़ा बहुत सब लोग पेमेंट्स के लिए मतलब रिक्वेस्ट करें, और उसके बाद में डेफिनेटली पेमेंट्स मतलब काफ़ी अच्छी आने लगी थैंक्स टू यू। और उसके मतलब उसमें ये हुआ बेसिकली क्या, कहीं ना कहीं रुकी हुई थी चीज़, डीलर भी आगे अपने कस्टमर से पैसे नहीं मांग रहा था, वो भी ये डरा हुआ था कि वो अपने आगे कस्टमर से पैसे कैसे मांगर्स की आगे की फ्यूचर प्लाईवुड में उसी तरह से है, उतनी ही मजबूत है डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेलिवेंस। यस रेलिवेंस, रेलिवेंस तो रहेगी बिकॉज डीलर रादर मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा अभी, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच भी रहेगा हर किसी के पास में, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा बल्क में स्टॉक नहीं रखना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि मैं लिमिटेड इन्वेंट्री में काम कर लूँ। एक फैक्ट्री से लेता हूँ तो मेरे को कोई एक्स क्वांटिटी लेनी पड़ती है, उसको अगर 25 बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, या मान लो उसको लेमिनेट में बहुत शॉर्ट सप्लाईज चाहिए, बहुत ज्यादा बल्क में स्टॉक नहीं रखना चाहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की रेलिवेंस मुझे नहीं लगता इसके अंदर कम होगी, रादर उसमें और बेटर अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाएगा तो और बढ़ेगी। यहाँ पर मैसेज आशीष जी का है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का रेलिवेंस कम नहीं होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी कैपिटल को और सपोर्ट के रूप में लगाएंगे, मार्केट जिस चीज की कमी को महसूस करता है, अगर उस कमी में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना सहयोग और अनुदान डालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर का रेलिवेंस कभी कम नहीं होगा। लेकिन इस बीच में रोहित जी मुस्करा रहे थे, रोहित जी का मुस्कराना ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो डिसएग्री करते हैं। रोहित जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ एकदम, आपकी आवाज ही तो आ रही है। आशीष जी मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे है, आप कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी रखा जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर को का रोल पूरा रहेगा, आप उससे पहले सबसे पहले आप कंपनियों से जो आपके पीछे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आप उनसे इस चीज का एक एश्योरेंस ले लो कि इस लॉकडाउन के दौरान वो कहीं आपको बाईपास तो नहीं करेंगे। देखिए आप जो बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी हों जो बाईपास भी करना चाहें, और ये तो पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी देखिए डिपेंड करता है रोहित जी, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इसमें कोई लॉकडाउन का पर्टिकुलर वो नहीं है, उससे पहले भी ऐसा ही था। अगर आप अपना वर्क जो है प्रॉपरली कर रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप सेल्स को प्रॉपर चैनलाइज कर रहे हैं, आप अपना पेमेंट्स जो है वो प्रॉपर कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कंपनीज को बहुत अच्छा आंसर है मतलब बाईपास करें। इस बात से रोहित आपका जवाब पूर्ण मिलता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी फैक्ट्री को कलेक्टिव पेमेंट देने और मार्केट में मार्केटिंग के लिए मेहनत करने के लिए जाना जाता है और वो इसी बात का रिलेवेंस रहता है। लेकिन ऑफलेट का ही समय से देखा गया है लास्ट 3-4-5 सालों में कि डिस्ट्रीब्यूटर वो जो फाइनेंसर वाला रोल था या वो मार्केटियर वाला रोल था, दोनों से पीछे हट गया, ना वो कैपिटल लगाता है ना वो मेहनत करता है, वो कंपनियों को ही सिर्फ बताता है कि ये करो और वो करो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिलेवेंस शायद आशीष जी ये कह रहे हैं कि कम होगा, अदरवाइज कंपनीज तो जिनको ग्रो करना है वो एक समय तक साथ चलती हैं। और उम्मीद है रोहित जी आपकी मुस्कुराहट और अच्छी होगी, आप समझ गए होंगे। विनोद जी जरूर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें। विनोद जी डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल था, इसमें आप जरूर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे विकास जी, तो
प्रकाश जी ने भी बोला रोहित जी का जवाब देते हुए, रोहित जी एज ए ना रिटेलर सोच रहे हैं, उनका जो टच है वो बहुत छोटे एरिया में है। अगर ऑल ओवर इंडिया की देखा जाए तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी आ रही है, खास करके मेट्रो सिटीज को छोड़कर। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के रोल की बात, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के रोल को मैं बताना चाहता हूं कि आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा है अभी, और रोहित जी ने एक क्वेश्चन और करा था जी, जैसे 15% सेल हुई, 15% माल मंगा लिया, लेकिन इस समय 15% अगर सेल होती है तो रिटेलर सिर्फ 10% माल मंगवा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पिछली पेमेंट देने का भी प्रेशर है। तो रोहित जी को लग रहा है जी 15% माल मंगवा लिया तो वो सेल हो गई, लेकिन माल वो कम मंगवा रहा है, फैक्ट्री वाले की सेल ज्यादा हो रही है या डिस्ट्रीब्यूटर की उससे सेल ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर विनोद जी ये कह रहे हैं कि रिटेलर्स डर रहे हैं, माल नहीं मंगा रहे हैं, विनोद जी आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर उसकी 15% सेल होती है, 5% वो अपना स्टॉक कम करता है, डेड स्टॉक कह लो, या तो माल बल्कि कम, वो तो तर्कसंगत है ना, लॉजिकल है, वो तो ठीक कर रहा है फिर। हाँ ठीक कर रहा है ना, तो लेकिन रोहित जी सोच रहे हैं कि वो 15% फैक्ट्री की जो सेल है, फैक्ट्री की वो 10% हुई है, लेकिन वो बहुत बड़े एरिया में है, साउथ की सेल अच्छी है, चाहे आप बंगलौर चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, गुवाहाटी चले जाओ, पटना चले जाओ, तो हम खाली एक रिटेलर की सेल से उस पे गैस नहीं कर सकते। और आशीष जी ने भी बहुत अच्छी बात की है, ऐसे टाइम में हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बढ़ जाता है, फैक्ट्री वाला बाईपास सोचता तो हर कोई, हर किसी को पास करने की, अगर सबका बस चले तो वो रिटेलर को भी बाईपास कर दे, कारपेंटर को भी बाईपास कर दे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बाईपास कर दे, वो माल बना के उसकी रेडीमेड फर्नीचर बना के घर पे दिया आएगा सबको, तो किसी का बीच में रोल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अंकुर जी से सवाल आ गया है, अभी बस का सवाल यहाँ अंकुर जी पे आ गया है। सर रुकिए, आशीष जी ने कहा कि ऐसे टाइम में ना, जो मान लिया अच्छी सेल के टाइम में एक ट्रक मंगवा लिया, चलो यमुना नगर मंगवा लिया, मेरा सवाल आपका उत्तर ये था कि हर फैक्ट्री की इच्छा है, अच्छी सेल होती है तो फैक्ट्री वाले से डायरेक्ट मंगवा लिया, लेकिन जब उसके पास इतनी सेल नहीं रहेगी तो वो ट्रक मंगवाने की पोजीशन में नहीं रहेगा, ना उसकी पूरी ट्रक की पेमेंट देने की पोजीशन में रहेगा, तो वो पार्ट लोड माल मंगवाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का रोल और बढ़ जाता है। मैं इस बात से यहाँ इनके समरी तो दे दूं, रोहित जी समरी ये है, अगर रिटेलर को नीड कम मटेरियल की है तो उल्टा फैक्ट्रियों को डिस्ट्रीब्यूटर की नीड ज्यादा होगी, क्योंकि वो पार्ट लोड नहीं मंगा सकता, ये बहुत पते की बात है, समझदारी वाली बात है। लेकिन ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर उस अपॉर्चुनिटी को देखे और उसमें वो इन्वेस्टमेंट डाले, ना कि पुरानी इन्वेस्टमेंट पे ही लटका रहे, तो शायद अपॉर्चुनिटी नहीं निकल के आ रही है, ऐसा विनोद जी शायद आप कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सेल कम रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम रहेंगी, आप ये क्यों सोच रहे हो कि पिछली पेमेंट आएगी नहीं? हमारे जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फैक्ट्री वालों के हैं, कोई चोर थोड़ी ना है या कोई घटिया किस्म के लोग थोड़ी ना है। अगर मालिया किसी से 1 करोड़ का लेना है और वो माल सिर्फ 5 लाख का मंगवाएगा महीने में या 10 लाख का, तो 10 लाख की पेमेंट थोड़ी देगा, वो पेमेंट तो 15 लाख देगा, 5 लाख उसमें और एड भी करेगा पिछली, तो इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, उधार कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी जब सेल नहीं रहेगी तो। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा सेल अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लेकिन अगर पैसे कहीं सच में फंस गए, सपोज आपने कहा वो कोई चोट थोड़ी है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा अंकुर जी से मैं पूछना चाहूंगा अगला सवाल, फिर आऊंगा रोहित जी के पास, कि अंकुर जी क्या पेमेंट की सिनेरियो जैसा विनोद जी कह रहे हैं सिमिलर है? आवाज अनम्यूट करिए सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। देखिए, पहले तो मैं विनोद जी और आशीष जी से 100% अग्री करता हूं कि अब जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनमें स्टॉक रखने की क्षमता है, फैक्ट्री से अच्छी बड़ी डील करने की क्षमता है, फास्टर पेमेंट देने की क्षमता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो कोई बाईपास करने का तो सवाल ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी और अभी भी है।
अभी को खत्म हुई। हाँ अच्छा, दूसरा आपका सवाल थी अबाउट पेमेंट्स। हेलो आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा अब आपका सवाल था पेमेंट्स के बारे में था, मतलब पहला सवाल तो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में था, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि हमारी लाइन में विनियर लाइन में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इकट्ठे बाई करते हैं स्टॉक रखते हैं उनका रोल पहले भी था और अब और भी ज्यादा है। जी ठीक है, रिगार्डिंग नेक्स्ट सवाल जरा मैं फिर से जरा रिपीट करेंगे एक बार, क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि एक बात चली जिसमें ये कहा गया कि भाई हर फैक्ट्री, विनोद जी ने कहा कि फैक्ट्री अपनी तरफ से तो कोशिश करती है कि वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाए, डायरेक्ट फर्नीचर ही बना कर दे दे, और आप एक मैन्युफैक्चरर भी हैं साथ में, आपने भी एक फर्नीचर का वर्क शुरू किया, तो इन दोनों को मैं जोड़ के देखूं या अलग अलग देखूं? नहीं अलग अलग देखिए एक बार दोनों क्या? हाँ तो मतलब एंड कंज्यूमर को फैक्ट्री कोशिश, ये देखिए जब प्राइस जब मार्जिन पे प्रेशर आता है, और आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि काफी डीलर्स जो हमारी लाइन के ऐसे हैं, स्पेशली जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन जो डीलर्स आए हैं वो रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, जैसे आशीष जी हैं, जैसे विनोद जी हैं, लेकिन जो बहुत सारे पुराने डीलर्स हैं जो पुराना स्टाइल होता था वो मैन्युफैक्चरर से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे यहाँ पर मटीरियल रखवा दो, बिकेगा तो मैं पेमेंट दूंगा, मेरे को मार्केटिंग सपोर्ट करो, मेरे को ये भी दो, मेरे को वो भी दो, तो जो पुराने स्टाइल में जो जैसे आज से 15-20 साल पहले काम होता था जो वैसे चाहते वो जमाना अभी नहीं है, जो समझते ही नहीं कि फैक्ट्री के पास भी मार्जिन का मेजर प्रेशर है, तो बड़े डीलर का जो कि बल्क में खरीदता है उसको डेफिनेटली प्राइस एडवांटेज मिलता है, कोई भी फैक्ट्री उसको कभी भी बाईपास करना नहीं चाहती। धन्यवाद अंकुर जी। आज हमारे इस पैनल में ऑडियंस में सिंगापुर सुदीमा से मिस्टर अश्विनी मुद्गल जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे डिसरप्शंस आने वाले समय में होंगे। यहाँ पर नरेश तिवारी जी लिख रहे हैं कि हमने अपनी सेविंग भी अपनी इंडस्ट्री और ट्रेड में डाल दी है, लेकिन नो नीड टू इंक्रीज आवर बैंक लिमिट नाउ, नो नीड टू इंक्रीज आवर बैंक लिमिट नाउ का मतलब यह है कि फैक्ट्रीज cannot go on borrowing more. अब डीलर जो है रोहित खंडेलवाल जी डीलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके मन में बहुत सारे सवाल है, मैं इनको बहुत उत्साहित हूं इस पैनल पर लेकर कि ये स्पष्ट और मुखर होकर बात करते हैं, तो ऐसा ही हर रिटेलर अगर बात करे मुखर होकर दिल की बात समझे बहुत अच्छी बात है। रिटेलर में कई सारे लोग पैसे नहीं दे रहे रोहित जी। प्रगति जी एक चीज बीच में ऐड करना चाहता था मैं। हाँ अंकुर जी ने बोला अगर टॉपिक चेंज नहीं हुआ तो अगर उसको थोड़ा सा अगर एक मिनट दो मिनट उसमें और रोशनी डालें। प्लीज सर प्लीज प्लीज। जहां तक अंकुर जी ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर का डेकोरेटिव में लोड नहीं है, इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ पूरी पूर्ण तरीके से कि डेकोरेटिव में डिस्ट्रीब्यूटर का आज के दिन भी बड़ा वजूद है, बड़ा रोल है। नहीं अच्छा रोल प्रकाश जी, मैंने उल्टा बोला, मैंने प्रकाश जी ये बोला कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बड़े डीलर का ज्यादा रोल है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ना कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लोग माइका भी रखते हैं, प्लाईवुड भी रखते हैं, वीनियर्स भी अच्छा थ्रू आउट अगर पैन इंडिया देखा जाए तो हम लोग फ्लेमिंगो में काफी डिस्ट्रीब्यूटर बेस पर नेटवर्क पे काम करते हैं। वी आर वेरी प्रकाश जी, अंकुर जी ने सिमिलरली बात कही थी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छा काम करते हैं, जो फोकस करते हैं, जो वाकई स्टॉक रखते हैं और सर्विस देने की तरफ प्रोएक्टिव है, उनका एक्चुअली रोल बढ़ेगा, ऐसा ही अंकुर जी ने कहा था। और एक सवाल इसके बाद, तो आपकी बात सिमिलर है, शायद सुनने में कहीं कनेक्शन कट होगा, मेरा सवाल रोहित से था कि ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं जो सुनने में आया है कि वो पैसे उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं दे रहे हैं, वहीं पर विनोद जी ने यह कहा कि कोई हमारे सेक्टर के लोग तो ऐसे नहीं है, चोर तो नहीं है, लेकिन अभी पीछे नरेश तिवारी जी से बात हो रही थी या और भी लोगों से मैन्युफैक्चरर से बात हो रही थी जहां पर कई सारे लोग देयर इज डायरेक्ट जो डील करते हैं डीलरों से भी रिटेलरों से भी, वहां पर पेमेंट के इश्यूज 100 में से 15% से 18% लोगों पर आ रहे हैं। आशीष जी, आशीष गुप्ता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 10-12% लोग पेमेंट नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे या किसी कारण से नहीं दे पा रहे?
हाँ मतलब ओवरऑल अगर अपन बात करेंगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10-12% लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ 100? यस हाँ, देखिए ऐसा तो होता ही है, और वो तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कोरोना की वजह से, उससे पहले भी प्रॉब्लम्स तो ये रहती थी, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डीलर्स के पेमेंट्स काफी स्लो होते थे, बहुत लेट आते थे, कहीं पे कुछ डिफॉल्ट्स भी होते थे, और अभी आप लोग जब वो डिफॉल्ट्स वो गैप रहता है 15% थोड़ी सी बढ़ गई है, वो जो 15-12% का पहले से भी गैप रहता था, कोविड के बाद वो गैप बढ़ गया है, तो वो जो 20% कैपिटल लॉस हो रहा है या पेमेंट का लॉस हो रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट और नहीं डलेगी? मेरा सवाल है 20% का प्रगति मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, डिफॉल्ट नहीं होने वाला है, ना कोई 20% का कोई पेमेंट का मतलब लॉस होगा, कुछ ये मार्जिनल 2-5% हो सकता है, मतलब वो भी मतलब मैं हायर साइड पे बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं, बट ओवरऑल पेमेंट्स डिले जरूर हो सकती हैं, वो क्योंकि हर आदमी की अपनी परिस्थिति है, जो डीलर ने बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि डीलर ने आगे भी मटेरियल क्रेडिट के ऊपर दिया हुआ होता है अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर से उसकी पेमेंट कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हैं जो मान लो एक तो कुछ बहाना भी होता है पास में कि जी अभी लॉकडाउन है मैं पैसे कैसे दूं, और उसको लेकिन वो डीलर अगर प्रोएक्टिवली अगर उसको डील करता है, कस्टमर को थोड़ी रिक्वेस्ट करता है और उसको अगर फॉलो करता है तो पेमेंट आ जाती है, मतलब और धीरे धीरे इसमें ना सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप समझिए अप्रैल तक सिनेरियो ये था कि पता नहीं है पैसे कैसे आएंगे कब आएंगे, मई जैसे जैसे मार्केट खुली काफी अच्छे कलेक्शन आए, और अब 1 जून के बाद में जब और मार्केट्स खुल गई हैं तो अब कलेक्शन का फ्लो भी बेटर होने लग गया है, डीलर्स को भी रिटेल में भी, अच्छा रिटेल में एक और बात बताऊं आपको, वो मेरी जितने डीलर से बात हुई उनका ये कहना है कि अभी कस्टमर जो भी आ रहा है वो हमें कैश पेमेंट करके जा रहा है, अभी हम लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, और कस्टमर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि उसको क्रेडिट मिलेगी, ये एक बहुत अच्छा मतलब अनलॉक के बाद नॉर्थ इंडिया ये कहता है कि जून महीने में कलेक्शंस बेहतर हुई हैं, आगे और आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का रेलिवेंस बना रहेगा, प्रोडक्ट की डिमांड जैसे जैसे वर्कर्स और लेबर्स आएंगी उनके हिसाब से बढ़ेगी, हम अपने फाइनल लैब की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फाइनल लैब के बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सभी पैनलिस्ट का, ऑडियंस का, टाइमएक्स ग्रुप का, जिन्होंने बहुत अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट किया, चापसी भाई का धन्यवाद करूंगा, पूरे ग्रुप के चेयरमैन है वो, कि इस स्प्रेडिंग अवेयरनेस कनेक्टिंग पीपल के अभियान में प्लाई रिपोर्टर का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चापसी भाई। वरुण खेमका जी, क्या लैमिनेट में डिस्ट्रीब्यूशन, लैमिनेट रिटर्न, स्टॉक ज्यादा, नॉन स्टॉक, डेड स्टॉक, इस तरह की उलझने सामने आ रही है क्या इस पीरियड में? नहीं देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास फैक्ट्री में सब मिनिमम स्टॉक्स को रखते हैं, और ये हर एक कंपनी के अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसका स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। आज अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो मेरे हिसाब से डेड स्टॉक्स की या स्लो मूविंग स्टॉक्स की जो स्टॉक पाइलअप है वो किसी न किसी डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से कम रहने वाली है। दूसरी बात ये है कि आज अगर हम देखें जिस तरीके से पहले कंपनीज का भी और मार्केट की भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हर समय और जितनी जल्दी हम कैटलॉग्स को चेंज करें, नए कैटलॉग्स लाएं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। अगर आपके नए कैटलॉग्स की इंट्रोडक्शन अगर थोड़ी सी भी स्लो होती है तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक्स जो डेड स्टॉक्स का है, चाहे अपने एंड पे हो, चाहे वो जिन कंपनीज के डेपोज हैं डेपोज एंड पे हो, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वो कहीं ना कहीं मैनेज रहेंगे उसको। मेरा सवाल छोटा सा है कि हाँ, क्या इस पीरियड में ऐसे कई डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने से आए कि भाई हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो मैं माल भेज रहा हूँ? नहीं देखिए, कस्टमर्स की देखिए कस्टमर्स अभी तक बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। कस्टमर्स ये देख रहे हैं कि अगर मैं जितना कंपनी को पैसे दे पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से अपना मटेरियल मंगाऊँ। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर्स के साथ, अभी तक हमारे कस्टमर्स ने कोई भी ऐसा नहीं किया है कि पेमेंट्स नहीं आए हैं और ऑर्डर और डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आज के दिन में कस्टमर्स भी एक्सपेक्ट करके समझ के ही अपने ऑर्डर्स को और उस तरीके से डील कर रहा है। धन्यवाद वरुण जी, धन्यवाद। विकास खन्ना जी से मैं रोहित भाई के पास वापस आऊंगा। विकास से एक सवाल है, विकास भाई ये बताइए कि आने वाले समय में हम एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में कारपेंटर और वर्कर्स और लेबर्स इनकी वापसी कब तक देख रहे हैं? एज ए एसोसिएशन
रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, आपकी कम्युनिकेशन पे आप कब तक वापसी देख रहे हैं लोगों की? प्रगति जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। अभी ये जून का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ इज जुलाई। इस महीने में वैसे भी धान लगाने की प्रक्रिया हमारे सारे हिंदुस्तान में चलती है। उसके बाद अभी हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, हम 30% लेके चल रहे हैं, और ऐसा देखा गया है कि डेली फैक्ट्री वाले ये बोल रहे हैं कि लेबर का या ठेकेदारों का फोन आ रहा है कि हमें वापस बुला लो, पर इस समय में उतने ही लेबर को वापस बुलाना चाहिए जितना कि हम उनको काम दे सकते हैं। कारण क्या है कि आगे लकड़ी भी आपको भरपूर नहीं मिलेगी। इस बार नॉर्थ इंडिया के अंदर मैक्सिमम बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश ज्यादा होने से लकड़ी कम मिलेगी। यदि लकड़ी हमें कम मिलती है और हम अपनी लेबर को वापस बुला के रख लेते हैं, तो हमारे लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि उस लेबर को हम बिना काम दिए कितने दिन तक अपने पास बिठा सकते हैं। तो स्लो एंड स्टेडी हमको आगे लेके चलना चाहिए चीजों को, और धीरे धीरे सारा कुछ जो है नॉर्मलसी पे आता चला जाएगा। संजय जी, संजय गर्ग जी बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट के एंटरप्रेनर हैं। संजय भाई, बाकी सारे प्रोडक्ट में वर्कर्स की, तो आप जिस भी लाइन में, उसमें वर्कर्स की कम जरूरत है। यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग लाइन बेस्ड सिस्टम्स, तो क्या आप बिना वर्कर के भी कोई रॉ मटेरियल साइड में भी सप्लाई का इशू देख रहे हैं? जैसे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बहुत सारा आपके यहाँ यूज होता है, क्या उसमें कोई प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं? क्या आप फिनिश प्रोडक्ट में कोई प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं? क्या लेबर्स की तरफ से कोई समस्या देख रहे हैं? नहीं, प्राइस इंक्रीज तो कहीं पे भी ना परचेज में ना सेल में है। ओके, और वर्कर्स तो अभी 25-30% ही किसी भी फैक्ट्री में। क्या आपके यहाँ वर्कर्स भी बिहार के और उस साइड के हैं, और उससे आप पे इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या आपके यहाँ वर्कर की शॉर्टेज है? जितनी डिमांड है उतने वर्कर्स हैं, अगर आप वर्कर्स बढ़ गए तो उतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो यानी विकास जी जो कह रहे हैं, संजय जी उस बात से सहमत है कि हमें उतना ही लोग रखने हैं जिससे कि फैक्ट्री उतनी ही चल पाए, और हर इंडस्ट्रियलिस्ट वही करता है, जितनी लोग रहते हैं उतना ही लोग रख, जितने लोगों की जरूरत है, जितने ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से वो आदमी रखता है। आज के पैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे टेक अवेज थे जिसको मैं अभी लूंगा। क्या टेक टीम कोई वीडियो है टाइमएक्स ग्रुप का? मैं चाहूंगा कि इस बीच में वो चलाएं। इससे पहले कि मैं लास्ट के दो सवाल और पैनलिस्ट से पूछूं और कंक्लूजन लूं, रोहित जी के मन में भी सवाल है, मैं टेक टीम से अनुरोध करूंगा कि वो टाइमएक्स ग्रुप का एक वीडियो जरूर प्ले करें। जब भी उन्हें टाइम मिले हमें रोक के वो प्ले कर देंगे। रोहित जी, तब तक आप अपना सवाल पूछें या अपनी बात कहें। लेकिन पेमेंट मारता नहीं है, डीलर की बात मैं कर रहा हूँ, रिटेलर की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये बात सही है, जो इस समय सिनेरिया है उससे रिटेलर क्या, हर आदमी थोड़ा सा पैनिक की स्थिति में है। हर एक आदमी को समझ नहीं आ रहा, आदमी सोच रहा है जो घर पे पैसा रखा है वो घर पे रखने का है, आज बाहर से जो पैसा आएगा उसी पैसे को मैंने यूटिलाइज करना है, उससे काम करना है। लेकिन मैं आज आपके इसी पैनल, इसी चैनल के माध्यम से हर रिटेलर को, हर चैनल पार्टनर को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी कंपनी का, अपनी जो भी हमारे सप्लायर्स हैं, हम दोनों का रिश्ता एक बाप बेटे की तरह है, जैसे पिताजी का एक्सपीरियंस और बच्चे का जोशपन, ये दोनों काम आते हैं। इसी प्रकार से
अच्छा अगर कंपनी का बैकअप नहीं रहेगा, आज मार्केट तो दो दिन बाद चार दिन बाद सुधर जाएगी, लेकिन आज मैं अगर अपनी कंपनी को सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको पेमेंट नहीं दूंगा, आज मैं अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं दूंगा और कल को वो बैठ गए तो मैं क्या करूंगा? ये मार्केट तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों दो साल में एक साल में सुधर जाएगी, मेरी कंपनी कहाँ जाएगी? मुझे सबसे पहले कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए। हमें हर डीलर को, हर रिटेलर को, अपनी कंपनी को, अपने सप्लायर्स को, सबको सपोर्ट करना चाहिए, किसी के पैसे नहीं रोकने चाहिए। इस समय हर आदमी शून्य से स्टार्ट हुआ है, सिर्फ हम लोगों पे अपना तजुर्बा है और हमारे पास कुछ नहीं है, आज सब कुछ हमें खुद ही करना है। इसलिए जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस कोरोना की जंग को लड़ नहीं सकते। आज रोहित जी ने बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स रिटेलर कम्युनिटी के बिहाफ पे रखे, मैं धन्यवाद करूंगा रोहित का फॉर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग। एंड आई विल रिक्वेस्ट राजीव आल्सो टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। राजीव, यू आर हियर विद यू। थैंक यू। मेरा सवाल आशीष जी और विनोद जी इन दोनों से है। सर, जो पेमेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री में वो 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन तक पहुंच गया था, और ये दो महीने अप्रैल मई में देखा जाए तो पेमेंट की रिकवरी बहुत कम हुई है, तो ये 60 दिन और ऐड हो गया, तो आपको क्या लगता है ये कब तक सुधार देखते हैं आप? ये पहला आशीष जी जवाब दें, जिस भी आग्रह। देखिए सर, सवाल एक बार और दोबारा फ्रेम करता हूँ राजीव का। राजीव ने कहा कि पहले 90 दिन तक उधारी पहुंच गई थी, अब वो 90 का उसमें 60 और जोड़ दीजिए लॉकडाउन का, तो वो 150 दिन हो गई, तो उसको हम 90 का 90 ही माने या 150 दिन मान के चलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरों से सवाल है। नहीं देखिए, इसमें राजीव जी का सवाल बिल्कुल ठीक है और ये चैलेंज भी है। अगर इसको अपन लॉकडाउन के 60 दिन को अगर जोड़ते हैं तो ये डेफिनेटली 150 दिन भी हो जाते हैं और 125-150 दिन हो जाते हैं। पर ये लॉकडाउन वाले पीरियड को तो अपने को बेसिकली डिस्काउंट करके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तो चैलेंज था, ये तो अपन समझ ही रहे हैं। आज डीलर की परिस्थिति भी नहीं थी, वो घर से अपनी दुकान पे जाके अपनी चेकबुक भी साइन करके पेमेंट नहीं करा सकता था, या वो अपना कलेक्शन जहाँ पे है वो नहीं लेकर आ सकता था, उसने माल नहीं बेचा, तो वो डिस्काउंट तो दो महीने का मतलब लेकर के चलना ही पड़ेगा, उस पीरियड को तो मतलब एक तरीके से हटाना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा देखिए, इसमें मैं एक बात आपको राजीव जी और बताना चाहूंगा कि जो चीज अपन समझ रहे हैं या मतलब एक जनरल जो पहले एक डाउट था कि भाई अप्रैल के अंदर समझिए जब लॉकडाउन था, बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर थे अप्रैल या 15 मई तक, तो बड़ा फियर था कि ये पेमेंट बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगी या कुछ मतलब और बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी या पेमेंट्स में कितना चैलेंज आएगा। बट उसके बाद में ना डीलर्स, जैसा रोहित भाई ने अभी बोला, ये फैक्ट है, डीलर्स अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो मतलब हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो पेमेंट्स कैसे भी फास्ट कराएं और आगे अपने सप्लायर्स को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करें। एक सपोर्ट का मतलब रोल आया है, जो कि अदरवाइज अगर अपन बिफोर कोरोना देखते तो डीलर को किसी को हम पेमेंट के लिए बोलते थे या उसको बोलते थे भी 60 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, तो वो इसको थोड़ा नेगेटिवली लेते थे। लेकिन अभी डीलर्स भी ये चीज समझ रहे हैं कि भी इस समय चैलेंज है, आगे आपको भी पेमेंट्स अपनी कंपनीज को करनी है और उनको भी आगे अपने लेबर के, सप्लायर्स के, सबके पेमेंट। इसको समरी करें तो इसका मतलब ये है कि वो 60 दिन छोड़ना है, ये कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब 60 दिन में आपको 40-45 दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा और वो तो नॉर्मल है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर्स व्यू हो गया। विनोद जी, क्या आप भी छुड़वाएंगे 60 दिन कि आप जोड़ेंगे? वो तो छोड़ने बराबर ही है, छोड़ने के बराबर ही है, 60 तो नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है, छोड़ने के बराबर है और मन से छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। मांग आप 150 दिन उसको बोलेंगे कि बोलेंगे 90 दिन? मैं ये सिर्फ सवाल इतना ही था। नहीं, अब जैसे खुला है तो मैं पहले भी बोल चुका कि जैसे मान लिया पहले 100 रुपए आते थे, अब 30 रुपए की सेल आ रही है तो पेमेंट 40 रुपए की आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आने वाले 2-3 महीने में एवरेज बराबर हो जाएगी, दोबारा उतने दिनों पे आ जाएगी। अच्छा, और जैसे जैसे बाकी उन्होंने तिवारी जी ने या किसकी आप कह रहे थे कि 15-20% पेमेंट मरेगी, लेकिन हमें जैसे 37 ईयर्स का मार्केट का सबको जानते हैं अनुभव है, तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं 1% भी हमारे डीलरों की पेमेंट मरेगी। हाँ, थोड़ी लेट जरूर हो सकती है, लेकिन मरने वाली पोजीशन तो बिल्कुल नहीं है और पेमेंट प्लस आ रही है, सेल से ज्यादा पेमेंट आ रही है और हमें उस चीज का कोई डर नहीं। हमारे ट्रेड में पेमेंट मरती नहीं है, माल उठता है,
विनोद जी आप नहीं मर भी जाती है ऐसे नहीं है, उसमें भी ना सेगमेंट अलग अलग तरह के हैं। कई होते हैं, कई होते हैं भाई कम प्रॉफिट पे बेच लो अच्छे को बेचो, कई होते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए पेमेंट दो। एक डेकोरेटिव आइटम बनाने वाले के लिए अगर कोई पेमेंट नहीं देके माल दे रहा है, मैं उसे आधे पेमेंट की हत्या मानता हूं। मैं इंडिविजुअली एज ए जर्नलिस्ट, सही बात है आपकी, डेकोरेटिव आइटम की अगर कोई स्टॉक को पेमेंट देने की जगह वापस करता है तो उसे आधे मटेरियल के बराबर की हत्या ही है वो, ऐसा मैं मानता हूं। उसके कारण होते हैं, मैंने 10 सालों में सिर्फ बढ़ते देखा है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि 1%, 0.5%, मैं डेफिनेटली एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इससे इत्तफाक नहीं रखता, पहला। दूसरा, डेकोरेटिव आइटम की जगह अगर प्लाईवुड को ला दें या सबस्ट्रेट को ला दें तो वहां पर आठ आना कम करके वो माल बिक जाता है और कंपनी कहीं ना कहीं एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच जाती है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन विनोद जी आप ये बाईपास नहीं कर सकते कि 99% लोग सारी पेमेंट देते थे। मैं या इस पैनल पे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। आपकी आवाज नहीं है, विकास जी से पूछूंगा, विकास जी और संजय जी के पास आऊंगा। विकास जी आप इससे कितने सहमत हैं 1% से? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अविनोद जी आप भी अनम्यूट करें। मैं कह रहा हूं पहले मेरी बात पूरी होने दो। पैसा मरना और माल में लॉस होना दोनों अलग चीजें हैं। डेकोरेटिव में ऑलरेडी सब कोई लेके ही चलता है कि ऐसा हुआ माल नहीं बेच पाया या पैसा नहीं दे पाया तो माल उठाना ही पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड है, वो आप उसको कॉस्ट में गिनो। मैं जरा विकास खन्ना जी से पूछूंगा क्योंकि ये लैमिनेट और प्लाईवुड दोनों में अपना ज्ञान रखते हैं। संजय जी और वरुण जी दोनों के पास आऊंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग स्ट्रेट आंसर देंगे, घुमाएंगे नहीं। दोनों लोगों से, वरुण जी और संजय जी से स्ट्रेट आंसर चाहूंगा। हाँ विकास जी। प्रगत जी मैं चाहूंगा एक बार विनोद जी की बात पूरी हो ले, वो कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं विनोद जी ने कह दिया, आप कहो आपका व्यू है कि नहीं। कोई देखिए मेरा व्यू इसमें ये है कि ये वाकई ही बहुत ज्यादा तकलीफ का विषय है कि अगर आपने किसी को माल बेचा और आपको माल वहां से उठाना पड़े वापस, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा होता है तो उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे, वो हत्या नहीं है उस पेमेंट की? श्योरली वो हत्या है। ठीक है, देखिए अब विनोद जी ये कह रहे थे, जिसपे मैंने विनोद जी को रोका और कहा कि उनकी बात हो गई, वो ये थी कि वो कह रहे हैं कि इसको कॉस्ट में जोड़ के या जैसे भी है चलना चाहिए, वो उनका परसेप्शन है और उनका वे ऑफ डीलिंग है। लेकिन हमारी बात, वो तो इंडिविजुअल होता ही है, लेकिन हमारी बात सिर्फ ये थी कि अगर हम पेमेंट नहीं 1% 0.01% मानते हैं कि हमारा एवरेज रेशियो तो 1% है, 0.01% है, लेकिन अगर ट्रेड में किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे माल उठता है और उसमें कहीं ना कहीं पैसे देने के टाइम पे उठाया जाता है माल, जैसे कोई पैसा मांग रहा बोला जी अपना माल उठा लो, ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट ही है। इसको मेरा ये कहना है कि ये डिफॉल्ट है। वरुण जी और संजय जी दोनों डेकोरेटिव आइटम्स बेचते हैं, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये मेरा पॉइंट सही है? डेफिनेटली प्रगत जी, हमारे इंडस्ट्री में देखिए अगर जब सिचुएशन आती है तो कंपनीज को मटेरियल भी उठाना पड़ता है, और जो आप बात कह रहे कहीं ना कहीं उससे सहमति जरूर रखते हैं। संजय जी, सर ये तो ना जो हम माल बेचते हैं तो हमें उससे उस टाइम कंडीशंस बोलनी पड़ती है कि भाई अगर नहीं माल बिकेगा तो हम ले लेंगे, ये एक सिस्टम है। मतलब माल जब हम बेच उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उस टाइम ये सारी कंडीशंस होती है कि माल नहीं बिका तो क्या होगा, आपका ब्रांड नया है तो क्या होगा, तो सब चीज डिस्कशन होती है उस टाइम। संजय जी का कहना है कि जैसा टर्म्स कंडीशंस होता है। जी अंकुर जी आप कुछ कह रहे हैं? जी अंकुर जी अनम्यूट करिए। हम लोग लास्ट आप जो कह रहे हैं ना कि डेकोरेटिव के अंदर में अगर माल लौट के आ रहा है तो 50% पेमेंट की हत्या। मैं तो आप जो कह रहे हैं ना कि अगर माल लौट के आता है 50% पेमेंट की हत्या, मैं तो उसको 100% की पेमेंट की हत्या मानता हूँ। अगर एक पार्टी मेरा 10 लाख का माल लौटा दे और एक पार्टी मेरा 10 लाख पूरा पैसा मार जाए, मैं करीब करीब उसको बराबर मानता हूँ। थैंक यू अंकुर जी बताने के लिए, धन्यवाद। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहूंगा पेमेंट के मामले में,
देखिए पेमेंट में काफी लोग ऐसे हैं जिनको हमने एक फोन किए और उन्होंने हमें मेजर पेमेंट करी, लेकिन उसके बाद में जैसे मेरी दूसरी विनियर मैन्युफैक्चरर से भी बात हुई, देर इज अनदर एक्सट्रीम्स, देर आर फ्यू और आई वुड से कई लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट के बहुत ही पुराने व्यापारी माने मतलब हैं और बहुत ही फाइनेंशियली साउंड हैं और बहुत ही रेपुटेड हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट 0% पेमेंट करी है. सो दैट इज अनदर एक्सट्रीम. और वो ऐसा इसलिए हुआ है शायद कि उन्होंने अपने फंड्स एडिशनल बिजनेस में इन्फ्यूज नहीं हुए. तो जैसे हमारा पहले एक वेबिनार में डिस्कस भी हुआ है कि इस समय अगर हम लोग अपने फंड्स बिजनेस में एडिशनल नहीं डालेंगे तो ये चक्का जाम हो जाएगा. तो पेमेंट के मामले में मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ उल्टे जो ज्यादा बड़े डीलर है, ज्यादा रेपुटेड है, ज्यादा फाइनेंशियली साउंड है, उनमें बहुत ऐसे हैं कि जिनकी पेमेंट मच बिलो एक्सपेक्टेशन आई है और उल्टे जो छोटे थे उनकी पेमेंट बिलो मोर देन एक्सपेक्टेशन आई है. ये मेरे यहाँ भी हुआ है और उनके यहाँ भी हुआ है. मैं समझ गया. धन्यवाद धन्यवाद अंकुर जी फॉर एडिंग सो मच वैल्यू. Mr. Rohit, you are smiling and I want you to lastly convey something. If you agree or disagree, आपका बयान हमारे जितने ऑडियंस में डीलर हैं बहुत पसंद कर रहे हैं. आप उनके मन की बात रख रहे हैं, जरूर रखें. सर आप पूछो तो सही. नहीं आप मुस्कराते हैं तो हमें लगता है आप कुछ बोलने वाले. आप अनम्यूट करें रोहित भाई, अनम्यूट करें. हाँ हो गया, अब मेरी आवाज आ रही है. ठीक है, अब ईशा कुछ ऐड करने को नहीं है तो मैं इस वेबिनार को कंक्लूड करता हूँ. एक दिशा में ले जाना चाहता हूँ, क्या कहता है नॉर्थ इंडिया अनलॉक के बाद. टेक अवेज हैं, उतने ही वर्कर बुलाएं जितने फैक्ट्री में आप काम दे पाए, उतना ही डिस्पैच करें जितनी पेमेंट आ रही हो. सैलरीज को आज अपने स्टाफ एम्प्लॉयज टीम सबकी सैलरीज को मिल बैठ कर कोऑपरेट करके इसे लेकर चले. गाड़ी को धक्का दें, ना कि अपनी अपनी बात मनवाने के पीछे पड़े. ना फैक्ट्री पूरा सैलरी काटे, ना एम्प्लॉय पूरा 100% मांगे, ऐसा इस पैनल से निकल के आ रहा है. ये भी निकल के आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने डीलरों से कि डीलर्स धीरे धीरे ही सही अगले 3 से 4 महीने में जो भी गैप आया है उसे भरपाई करेंगे. धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद आशीष जी इस पॉजिटिव आउटलुक को रखने के लिए. रोहित जी ने कहा कि रिटेलर पॉइंट्स पर 15-20% सेल्स हो रही है, धीरे धीरे ही बढ़ेंगी और साथ ही रिटेलर पिछले साल की सेल को अगर वो सोचे कि अगले आने वाले महीनों में अचीव कर लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है. लगभग सभी पैनलिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि इस साल 50% से 60% टर्नओवर अगर अचीव कर लिया जाए तो शायद ये बचत होगा. इस पैनल पर मिस्टर वरुण, मिस्टर आशीष गुप्ता, मिस्टर अंकुर अग्रवाल सबने ये कहा कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस हम जहां भी घटा सकते हैं, जो जरूरी है उसे करेंगे, जो गैर जरूरी है उसे हम घटाएंगे. संजय जी ने कहा कि आज जो भी डिमांड आ रही है वो पार्टीशन में है, एक्सटीरियर में कम है और जो भी आने वाले समय में जैसे भी हम अपने फैक्ट्री की ओवरहेड कॉस्ट को कम कर सके उसे हम अपने इस कठिन समय को पार करें, उस अवसरों को भुनाएं, नए प्रोडक्ट को भी एक्सप्लोर करें, नई चीजों को भी बनाएं, ना कि हम इसे बैठे बैठे चिंता करने में गुजारें. प्रकाश खेतावत जी का धन्यवाद जिन्होंने बहुत स्पष्टता से इस बात को रखा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे इस चेन की बहुत अहम कड़ी है. डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिना आज वुड पैनल डेकोरेटिव ट्रेड में काम करना मुमकिन नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकुर जी फर्नीचर बनाते हैं. एक चलते चलते सवाल है कि आने वाले समय में रेडीमेड फर्नीचर का चलन बढ़ रहा है, क्या इससे रिटेलरों को घबराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए. इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है और रेडीमेड फर्नीचर का ट्रेंड लॉकडाउन के पहले भी बढ़ रहा था, लॉकडाउन के बाद में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी या इसकी एक्सेलरेशन और फास्ट देख रहा हूँ. इनफैक्ट रिटेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है. हम लोग इनफैक्ट हमारा कीर्ति नगर के अंदर में एक ऑफिस है, वहाँ पे सिर्फ 600 स्क्वायर फुट का एक फर्नीचर का डिस्प्ले बना रहे हैं. तो मेरा कहना है कि एक रिटेलर सिर्फ 500, 600, 700 स्क्वायर फुट के अंदर में भी डिस्प्ले बना सकता है, किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के संग टाई अप कर सकता है
और इसके अंदर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। नई संभावनाओं के साथ अंकुर जी ने बात कही कि आने वाले समय में रिटेलर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर जरूर करें, सोच जरूर बनाए। और इसी कंक्लूजन के साथ किसी भी पैनलिस्ट को कुछ भी कहना है, मैं एक एक बार सबके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं वरुण के पास आऊंगा एंड आफ्टर दैट विकास जी और सबके पास एक बार की अपनी एडवाइस फॉर द डीलर मैन्युफैक्चरर जरूर रखते चले। यस मिस्टर वरुण, कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम योर साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रगत जी, एंड दिस वेबिनार वाज डेफिनेटली वेरी इन्फॉर्मेटिव। कस्टमर से ये है कि कस्टमर से पूरा कोऑपरेशन मिला है हमारे को और आगे भी मिलने की उम्मीद है। बट एक यही एडवाइस है कस्टमर से कि कंसिडरिंग आज कंपनी के पास रिसोर्सेज अभी लिमिटेड हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ कंपनीज इन एवरी विच वे। इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइम अगर देखें तो हर एक के पास लेबर इशूज हैं, थोड़ी प्लस माइनस चलती हैं। पहले अगर 7 डेज में हो रहा था, आज 10-12 दिनों में हो रहा है। तो एक मैसेज मैं कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को, सारे कस्टमर्स को देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं कंपनीज के साथ कोऑपरेट करें। प्रति जी, आई टोटली एग्री विद वरुण जी। मेरी भी अपने डीलर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपने कॉर्पोरेट्स जो हमसे मटेरियल लेते हैं या हम सब भाइयों से लेते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, ये टफ टाइम्स हैं, आप लोग अपना ध्यान भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको पेमेंट्स देने की कोशिश करें। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है और उस लोड को हम लोग अपनी रिजर्व से काफ़ी समय से, अब 2-3 महीने से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो कई सालों से हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये साथ हमारा आगे बरकरार रहेगा। धन्यवाद विकास जी। विनोद जी, आपसे कंक्लूडिंग सजेशन रिमार्क फॉर मैन्युफैक्चरर फॉर डीलर। सबको यही कहना चाहूंगा कि अप्रैल में जहां नीचे से नीचे आना था वहां आ गए हैं, अब आगे हमें ऊपर ही जाना है और ऊपर हैं भी। अप्रैल से नीचे अब हम नहीं जा सकते, आगे आगे फ्यूचर बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया विनोद जी, जो बात कहते हैं वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और अच्छी है। उम्मीदों का दिया जलाए रखें, सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा होगा। प्रकाश खेतावत जी, जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई सारे हम लोग सब डीलर को फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से। यही बोलूंगा कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। और ये कहावत है कि रात के बाद सुबह होता है, तो आगे हर रिसेशन के बाद एक बूम आता है, तो इंडिया में बूम आना है, बहुत अच्छा आना है। गवर्नमेंट भी चाहेगी और हम सब चाहेंगे वापस ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। धन्यवाद प्रकाश जी। आशीष गुप्ता जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ गुड वेबिनार। मैं इसमें प्रगत जी आपकी एक बात से थोड़ा सा एग्री कम करूंगा, रोहित जी वाली बात जो आपने बोली कि 10-15% ही सेल है। रोहित जी का शायद ये व्यू इसलिए भी हो सकता है बिकॉज रोहित जी दिल्ली में करोल बाग या कीर्ति नगर बेस्ड हैं, आई डोंट रिमेम्बर, तो वहाँ पे शायद लॉकडाउन के बाद में कुछ अब लेट खुला है दिल्ली और शायद इनका क्योंकि मेट्रो है इस वजह से। बट अदरवाइज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिकॉज हम काफी रूरल एरियाज में मतलब ऑल ओवर राजस्थान करीब 15% करते हैं, तो मुझे लगता है सेल्स के फिगर्स 15% नहीं है, मतलब ओवरऑल दे आर वेरी एनकरेजिंग अगर जो देखा जा रहा है, मतलब मेरे को जो फील हो रहा है, तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें काफी कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और हाल फिलहाल भी मैं 30-40% मतलब समझ रहा हूँ कि ये है अगर अपन पैन इंडिया या पैन मतलब पूरा एक व्यू देखें, एक अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो 30-40% की सेल्स मतलब हैं अभी भी जून के महीने में, मतलब आ सकती हैं, इजीली आ रही हैं रादर। प्रगत जी, आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? यस सर, थैंक यू। नहीं ठीक है सर, थैंक यू, मतलब मुझे लग रहा था कि 10-15% नहीं है, तो लेट मी करेक्ट बिकॉज मेरा जो एक व्यू है वो कुछ डिफरेंट था इस मामले में।
अंकुर जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क ऑल द फ्लाई रिपोर्टर टीम एंड यही कहना चाहूंगा कि हमारा है डीलर्स का हमारे को अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मतलब इवन पोस्ट कोरोना भी मतलब पोस्ट अप्रैल लॉकडाउन जो है काफी मिला है और इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ सेल दोनों में हमारे को मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट हमारे को इवन हमारे एसोसिएट्स जो थी हमारी कंपनीज जो हैं जिनके हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और डीलर्स का तो डेफिनेटली हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। थैंक यू आशीष जी। अंकुर जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। सर बस यही सबको बेस्ट ऑफ लक और मेरे को लग रहा है कि ठीक है चैलेंजेस अभी हैं लेकिन चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटी है। हमको ज्यादा चिंता ना करते हुए कब 50% आएगी कब 75% आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है। अपने एफर्ट डबल लगाने हैं सेल्स एफर्ट या सेल्स एक्सपेंसेस उसके अंदर में मैं सोचता हूँ कि हमें कटौती नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट हमारी कंपनी तो बढ़ोतरी करेगी। वी विल हायर मोर पीपल वी विल बी मोर एग्रेसिव सेल्स के अंदर में। हाँ ऑप्टिमाइजेशन का टाइम है ये टाइम है जिसमें हम बैठ करके अननेसेसरी एक्सपेंसेस और जो चीजें इनएफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे थे वो चीजों को कट करने की जरूरत है। तो इस चीज से हम ज्यादा सेल्स करके ही बाहर आ सकते हैं यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा थैंक यू बहुत वैलिड है। बीच में मैं वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ और आज जूम में कुछ इश्यूज मुझे फेस हो रहे हैं। मैं सभी ऑडियंस को धन्यवाद करता हूं, राजीव को धन्यवाद करता हूं, पैनलिस्ट को करता हूं आज के वेबिनार के इस अच्छे टेक अवे के लिए, रोहित का धन्यवाद करता हूं, उनके उंगली उठाने के लिए भी धन्यवाद करता हूं और उनसे बोलने की गुजारिश भी करता हूं। इसे चलो सर मुझे तो लगा मैं रह गया। नहीं नहीं आप बोलिए। अच्छा सर मैं सारी कंपनियों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोगों पे रिटेलर्स पे हम डीलर पे अपना फेथ बरकरार रखें। हम आज भी आपके मार्केट में फेस हैं, हम आपका मुखड़ा है, आप हमारे बैकअप हैं, आप हमारे को पूरी बैकअप प्रॉपर तरीके से बैकअप दीजिए जैसा आज से पहले आप लोगों का और हमारा कोऑर्डिनेशन चला, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं आगे भी चलेगा। इसके अलावा मैं रिटेलर से और डीलर से यही आग्रह करूंगा कि कंपनी के लिए भी आप उतनी ही जान लगाइए, कंपनी को अपना एक फैमिली मेंबर्स मानिए, उनकी पेमेंट्स को मत रोकिए, उनको भी अपनी सर्कुलेशन में रेगुलर करिए, एक 3 महीने को अपने कैलेंडर ईयर से निकाल दीजिए, पॉजिटिव फ्रेमवर्क से निकलिए, अपना कोई टारगेट सेट करें और उस पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद। टुडे वी हैड वंडरफुल टेक अवे, सभी ऑडियंस को धन्यवाद, फेसबुक पर हजारों की संख्या में जुड़े हमारे डीलर भाइयों को धन्यवाद। इस पूरे प्रोसेस में सभी लोग जिस मनोभाव से जुड़ते हैं, जिस अच्छी इच्छा से जुड़ते हैं कि सब ट्रेड बराबर एक जगह पर आए उसके लिए धन्यवाद। और लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी संख्या में अभी जैसे जूम पर हमारे साथ 300 साढ़े 300 400 आज लोग थे, वो लोग शाम को चूंकि बिजनेस शुरू हो गया है लोग थकने लगे हैं तो लोग शाम को या कल तक वीडियोस पे देख लेते हैं फेसबुक पे, उनका इस आशा के लिए टेक अवेज के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लाई रिपोर्टर सिर्फ वेबिनार ही नहीं, संडे के संडे आगे आने वाले समय में न्यूज श्रृंखला शुरू करेगा, मोनोटोनस नहीं होगा, आने वाले समय में सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो पहले लेगा वही बिजनेस में पहले आगे बढ़ेगा। प्लाई रिपोर्टर अपने पब्लिकेशन हाउस के साथ अपनी इंटरैक्टिव वेबसाइट के साथ आपके सूचनाओं को जल्दी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत एक्टिव है। स्टे कनेक्टेड स्टे रिलेटेड एंड स्टे अपडेटेड। इसी के साथ अगले संडे फिर मिलेंगे। धन्यवाद एंड सबको पुनः प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। Thank you.